कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। माय नेम इज भंवर सिंह श्रीम, एक्सएनडी 115 कोर्स, और आप सभी का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं कौन कौन मेरे साथ लाइव है। अगर आप लाइव है प्लीज टाइप इन द मैसेज एंड लेट मी नो दैट यू वॉचिंग दिस सेशन लाइव। जैसे टाइप इन कीजिएगा एंड मेरे को बताएगा कि आप लोग लाइव हो चुके हैं और ये सेशन आप लाइव देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर पूरी कंप्लीट डिफेंस अवेयरनेस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, हर एक चीज यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड गुड इवनिंग अरिजीत, और कौन कौन है मेरे साथ लाइव टाइप इन कीजिएगा। एंड साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। स्नेहा जैन, अक्षय जैन, अथर्व जैन, और कौन कौन है मेरे साथ लाइव टाइप इन करते रहे एंड मेरे को बताते रहे। विशाल जैन, जैसे टाइप इन कीजिएगा मेरे को बताएगा कि आप लोग लाइव हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और यहां पर हम आपका हर एक चीज डिटेल में यहां पर कवर करने वाले हैं। डिफेंस में इससे बचकर बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, जो आज हम कवर करेंगे। जय हिंद एंड गुड इवनिंग, आई एम गुड, थैंक यू लक्ष्मी। विशाल जय हिंद, मंसूर गुड इवनिंग, अंजलि राधे राधे, जय हिंद जानवी, अंजलि राधे राधे, और कौन कौन है मेरे साथ लाइव टाइप इन करते रहे मेरे को बताते रहे कि आप लोग लाइव है और ये सेशन आप लाइव देख रहे हैं। ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे डिफेंस अवेयरनेस की और यहां पर पूरी कंप्लीट डिफेंस अवेयरनेस हम यहां पर देखेंगे। देखिए आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पूरे रैंक स्ट्रक्चर, क्या क्या रैंक्स हैं, इसी के साथ साथ आपका जो इक्विपमेंट्स हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस यूज करती है वो हम यहां पर देखेंगे। प्रियांशु गुड इवनिंग, राकेश हेलो, कुमार कंचन जय हिंद, एंड अश्मित जय हिंद, जय श्री राम बनवारी। इसका पीडीएफ आज ही मिल जाएगा, जैसे आप चाहे, ठीक है, आज भी मिल सकता है, डिपेंड्स, क्योंकि मेरे को फिर आपका ट्रैवल भी करना होगा बेटा, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आई विल अपलोड द पीडीएफ, डोंट वरी। गुड इवनिंग कुमार कंचन, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपका अभी हाल फिलहाल में हमारी जो है 75th हमने जो है आपका वी हैव सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे पर जो आपका परेड होती है उसमें बहुत सारे आपका जो है आर्मी के हम इक्विपमेंट्स वहां पर डिस्प्ले करते हैं, जिसमें आपका T-90 बीच में टैंक हमने डिस्प्ले किया था। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो अपार्ट फ्रॉम दिस नाग मिसाइल सिस्टम भी आपका जो है वहां पर हमने आपका डिस्प्ले किया, आपका इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, तो जितने भी आपके जो चीजें हैं जो आपका डिस्प्ले हुई वो आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। विशाल जय हिंद, सरोज जय हिंद, और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कंप्लीट आपका पैकेज है, कोई भी एग्जाम आप दे। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा एफकैट में तो कम से कम, एफकैट की अगर मैं बात करूं तो एफकैट में आप बेटा यहां से देख सकते हो, अगर हम देखें तो एफकैट में तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम यहां से आपका जो है 3 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपका हिट करेंगे, ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल डायरेक्टली आपका यहीं से आएंगे जो मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो बहुत कम आपका जो है वी हैव इनपुट, और बहुत कम इनपुट के साथ आप ये सारी चीजें आज लर्न करके जाएंगे। फीलिंग नर्वस, ऐसा लग रहा है सब याद है और कुछ भी याद नहीं है, ऐसा होता है बेटा, ये आपका ह्यूमन माइंड है, हमारे ह्यूमन माइंड का इंटरफेरेंस है, इंटरफेस है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, ठीक है। एंड गुड इवनिंग वरुण, थैंक यू, एंड जय हिंद सरोज, ठीक है, जय हिंद मिराज खान। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, बात करेंगे आपका जो है कंप्लीट डिफेंस अवेयरनेस की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा एफकैट 1 2024 का कंप्लीट एनालिसिस लेकर हम आपके साथ लाइव होंगे आपका फर्स्ट शिफ्ट के तुरंत बाद। 16 फरवरी को आपका पहली शिफ्ट है, तो तुरंत आपका जो है उसके बाद 12 बजे से हम आपका लाइव हो जाएंगे एग्जाम एनालिसिस को लेकर भी, तो इसके साथ हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। गुड इवनिंग निशान, एंड जय हिंद, जय श्री राम, सरोज, संजू, जय हिंद। चले शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, कैन यू सजेस्ट सम टिप्स वेयर टू स्टार्ट। सो राकेश, बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं ऑन दी प्रिपरेशन फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन, प्लीज गो थ्रू देम। ऑलराइट, चलिए यहां पर देखते हैं आपका जो है शुरू करते हैं सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा जल्दी से आप इसको जो है शेयर कर दे, डू शेयर दिस सेशन, जल्दी से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, और साथ ही साथ आपका जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहां पर जल्दी से शेयर कर दे, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। फिर हम आपका शुरू करते हैं सेशन को और बात करते हैं आपका जो है कंप्लीट डिफेंस अवेयरनेस की। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। मेरा एग्जाम सेंटर मेरे घर से 25 मिनट की दूरी पर है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां पर हम बात करें आपका सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, और 18 को एग्जाम है, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, ऑलवेज माय ब्लेसिंग्स आर विद ऑल माय स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ऑलराइट, चलिए, ओके प्रियांशु, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें आपका, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका आती है, ठीक है, जिसके अंडर आपका जितनी भी आर्म फोर्सेस है वो सभी आपका इसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आपका वर्क करती है।
अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये आपका मैन की जाती है बाय अ मिनिस्टर, जिनका रैंक जो है वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा उनका जो रैंक होगा, जो पद होगा, वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर का होगा, ठीक है। और इस समय पर जो आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है कौन है, यहां पर बताइएगा, ठीक है, कि कौन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है अभी फिलहाल, सभी जानते होंगे उनको, ठीक है। इसके अंडर अगर मैं बात करूं, आपका 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं। कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट्स है? बिल्कुल, श्री राजनाथ सिंह जी आपका जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। यहां पर आपके कौन कौन से आपका जो है डिपार्टमेंट्स है, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है, और ये आपका डिफेंस सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंदर होता है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी हेड करते हैं आपका डिफेंस या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, साथ ही साथ जो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च के लिए आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका एक सेक्रेटरी के अंडर होता है। और साथ ही साथ जो फिफ्थ डिपार्टमेंट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ये भी एक सेक्रेटरी के अंडर होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें आपका ये 5 आपके डिपार्टमेंट्स आपका जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करती है हमारे जो है आर्म फोर्सेस को। कौन कौन से आर्म फोर्सेस है आपका? वी हैव इंडियन आर्मी, साथ ही साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये आपका जो है 3 आर्म फोर्सेस है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इन तीनों आर्म फोर्सेस के बारे में। अब अगर आप देखें यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, वो कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं, तीनों ही सेनाओं के कमांडर होते हैं। और ये हमने आपका जो कंसेप्ट है ये कहां से बोरो किया है? यूएस से बोरो किया है, अमेरिका से बोरो किया है। इनके नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हमारी जो है तीनों फोर्सेज आती है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिनके ऊपर जो है आपका जो है चीफ होते हैं हर एक फोर्स के, और उनके ऊपर वी हैव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपका, सबसे पहले इंडियन आर्मी के बारे में बात करेंगे, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन आर्मी का जो फॉर्मेशन है ये आपका 1 अप्रैल 1895 को आपका हुआ था, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका जो मोटो है, कई बार आपने देखा एग्जाम में मोटो पूछा जाते हैं, तो बेटा मोटो पता होने चाहिए, मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ या फिर सेवा परमो धर्म। इसी के साथ साथ आर्मी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th of January, 15 जनवरी को आपका हर साल जो है हमारा जो आर्मी डे है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। जो आपका इंडियन आर्मी है इसको आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेड करते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो अभी फिलहाल है जनरल मनोज पांडे, और जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे जब हमारी जो है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुई, या फिर हमारा भारत जब आपका जो है वो आपका आजाद हुआ, तो उस समय पर आपका जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हुआ करते थे, कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। और पहले कमांडर इन चीफ जो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे वो थे जनरल रॉब लॉकहार्ट, और साथ ही साथ जो फर्स्ट इंडियन कमांडर थे, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ वो थे फील्ड मार्शल करियप्पा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो उसके बाद ये जो रैंक है ये आपका चेंज हुई, और रैंक जो है वो आपका चेंज होने के बाद देन इट बिकेम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहले बने उनका नाम था जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, तो इंडियन आर्मी जो है वो आपका कमांड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, सारे जितने भी फोर्सेज है वो कमांड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एंड टोटल अगर हम बात करें कितनी कमांड्स है यहां पर, आप अगर देखें तो वी हैव आर्मी हेडक्वार्टर्स जो कि आपका न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है, ठीक है, और इसके नीचे देयर आर टोटल 7 कमांड, 7 कमांड है इंडियन आर्मी की। कौन कौन सी कमांड है आप यहां पर देख सकते हैं बेटा, नॉर्दर्न कमांड कहां पर है? उधमपुर में है, ठीक है, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है। साउथ वेस्टर्न कमांड आपका जयपुर में है, वेस्टर्न कमांड आपका चंडी मंदिर है, सेंट्रल कमांड आपका लखनऊ में है, देन वी हैव ईस्टर्न कमांड जो कोलकाता में है, एंड सदर्न कमांड जो आपका पुणे में है। और इसी के साथ साथ एक ट्रेनिंग कमांड भी है जो कि आपका शिमला में लोकेटेड है, ठीक है, शिमला में ट्रेनिंग कमांड है। ये टोटल हमारी जो है 7 कमांड्स हैं जहां पर हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो आपका स्टेशन्ड है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है, जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, आप अगर यहां पर देखें, सबसे पहले आपका सेक्शन होता है, ठीक है, सबसे जो आपका लोएस्ट आप कह सकते हैं आपका एक जो यूनिट होती है
जो कि ट्रूप्स की होती है उसको हम सेक्शन कहते हैं इंडियन आर्मी, और ये आपका हवलदार के द्वारा सेक्शन कमांडर होते हैं जिनकी रैंक जो है जनरली हवलदार होती है, वो इसको आपका जो है हेड करते हैं। एक जो सेक्शन होता है इसमें आपके 10 ट्रूप होते हैं, ठीक है, 10 आपके जो है सोल्जर्स होते हैं। उसके बाद फिर सेक्शन से प्लाटून बनता है, प्लाटून को प्लाटून कमांडर जो है उसको कमांड करते हैं, रैंक होती है एक जेसीओ की, जो आपका जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका राइफल कंपनी, राइफल कंपनी जो है ये आपका लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर इसको आपका हेड करते हैं, और इसमें आपका लगभग 3 प्लाटून होती है, ठीक है। इसके बाद प्लाटून के बाद सॉरी राइफल कंपनी के बाद बटालियन या फिर रेजिमेंट आपका आती है, जो कि आपका एक कमांडिंग ऑफिसर द्वारा आपका कमांड की जाती है। जो बटालियन है रेजिमेंट है फुल कर्नल इसको कमांड करते हैं। एंड देन वी हैव ब्रिगेड, ब्रिगेड जो है आपका रैंक होती है ब्रिगेडियर की, उनके अंडर होती है ब्रिगेड, और यहां पर लगभग 3 बटालियन और आपका सपोर्ट एलिमेंट्स होते हैं। जय हिंद ग्रीन गोल्ड फैन क्लब, ठीक है। इसी के साथ साथ ब्रिगेड के ऊपर डिवीजन होता है जिसको जीओसी जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग, इसको आपका डिवीजन कमांडर भी कहते हैं, वो इसको कमांड करते हैं विद द रैंक ऑफ मेजर जनरल। इसके बाद फिर आपका जो है जीओसी के द्वारा ही आपका जो है कोर आपका जो है उसको कमांड किया जाता है, जिसको कोर कमांडर भी कहा जाता है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के होते हैं। और उसके बाद फिर ऑपरेशनल कमांड है आपका, जो मैंने आपको बताई 6 ऑपरेशनल कमांड्स है और एक ट्रेनिंग कमांड है, टोटल 7 कमांड्स है, और ये भी लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा आपका कमांड की जाती है। वहीं पर जो ट्रेनिंग कमांड है यहां पर भी आपका जो है वी हैव दी जीओसी इन सी, जो आपका जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग इन चीफ होते हैं वो आपका यहां पर रहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर देखें तो जो यहां पर आपका पूरा जो हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है या फिर जो आपका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये आपका स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया में सब एरियाज में आपका डिवाइडेड है, और ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट आपका कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में आपका जो है बाइफर्केटेड की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें तो कुछ यहां पर जो आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स है उनके आप जो है कोर सेंटर देख सकते हैं। आर्मर्ड कोर का जो सेंटर है वो आपका अहमदनगर में है, फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का भी कोर सेंटर वो आपका अहमदनगर में है, इन्फेंट्री का आपका मऊ में है, आर्टिलरी की बात करें तो देवलाली नासिक में है, साथ ही साथ कोर ऑफ इंजीनियर्स ये आपका सिकंदराबाद में है, फिर उसके बाद कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस ये आपका गोपालपुर ओडिशा, आर्मी एविएशन कोर नासिक, और आपका जबलपुर में कोर ऑफ सिग्नल्स का आपका कोर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। इसके बाद मैं बात करता हूं इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें आपका तो इंडियन एयरफोर्स का जो फाउंडेशन है वो 8 अक्टूबर 1932 में आपका किया गया। ये जो आपका जो इंडियन एयरफोर्स है इसका जो मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी या फिर नभ स्पृश्यम दीप्तम, ये मोटो है जिसके तहत आपका जो है इंडियन एयरफोर्स जो है वो आपका काम करती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहां पर एयरफोर्स डे अगर हम देखें तो एयरफोर्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को एवरी ईयर 8 अक्टूबर जो है वो आपका एयरफोर्स डे होता है, और इसको इंडियन एयरफोर्स को चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमांड करते हैं, और ये जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है इस समय पर वर्तमान में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इस पोजीशन पर है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका फर्स्ट एओसी या फिर एयर ऑफिसर कमांडिंग जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनका नाम था एयर मार्शल सर थॉमस एलमर्स्ट, और उनके बाद जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने या फिर फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने उनका नाम है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसके कमांड आप देख सकते हैं आपका कमांड लेवल्स आपका कहां पर है, तो देर आर टोटल 7 कमांड्स अगेन, ठीक है। आप यहां पर देखें तो प्रयागराज में आपका जो है सेंट्रल एयर कमांड है, न्यू दिल्ली में आपका वेस्टर्न एयर कमांड है, इसी के ईस्टर्न एयर कमांड आप शिलोंग में देख सकते हैं, नागपुर में आपका मेंटेनेंस कमांड है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है, वहीं पर गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न कमांड है, और तिरुवनंतपुरम में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो आपका लोकेटेड है, ठीक है, सॉरी वेस्टर्न, यस ऑलराइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपके जो एयर कमांड्स हैं जो कि आपका इंडियन एयरफोर्स के लोकेटेड है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात करें यहां पर ये सदर्न कमांड होगा बेटा, साउथ वेस्टर्न नहीं होगा, तिरुवनंतपुरम में सदर्न एयर कमांड है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें ये सारी आपकी कमांड्स है जिसमें कि 2 आपका जो है ये कमांड्स जो है ऑपरेशनल नहीं है, बाकी जो कमांड्स है वो आपका ऑपरेशनल कमांड्स है, जहां से कि आपका इंडियन एयरफोर्स आपका किसी भी आपका वॉर टाइम ऑपरेशन के लिए ऑपरेट करती है,
ठीक है, यहां पर अगर आप देखें यहां पर किस तरीके से आपका जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से आपका जो है यूनिट्स है, स्क्वाड्रन्स है, उनका फॉर्मेशन होता है, तो आप यहां पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले सेक्शंस होते हैं, सेक्शन में आपका 3 एयरक्राफ्ट होते हैं और इसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांड करते हैं। फिर फ्लाइट्स होती हैं जिनमें की 2 सेक्शंस होते हैं, यानी कि 6 एयरक्राफ्ट जिसको कि स्क्वाड्रन लीडर कमांड करते हैं। फिर देन स्क्वाड्रन और यूनिट्स होते हैं, यहां पर आपका जो फील्ड फॉर्मेशन कहलाती है ये जो स्क्वाड्रन और यूनिट्स है, और ये आपका जो है बेसिकली यहां पर 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। 18 एयरक्राफ्ट यानी कि आप समझ सकते हैं 6 सेक्शंस आपके होंगे, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर कि यहां पर 3 फ्लाइट्स आपका होती है एक स्क्वाड्रन या फिर किसी भी यूनिट में, और इसको कमांड करते हैं विंग कमांडर या फिर ग्रुप कैप्टन। देन वी हैव स्टेशंस, ठीक है, डिफरेंट स्टेशंस होते हैं। स्टेशंस में आपका एक विंग या फिर एक या दो स्क्वाड्रन्स आपके असाइन किए जाते हैं और इसको ग्रुप कैप्टन कमांड करते हैं। एंड देन विंग्स को आपका 2 या 3 स्क्वाड्रन्स होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर यूनिट्स होती हैं जिनको आपका एयर कमोडोर कमांड करते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका फॉर्मेशन है इंडियन एयरफोर्स का। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी अगर आप देखें तो 1612 में आपका रॉयल इंडियन नेवी के तौर पर आपका जो है एस्टैब्लिश की गई थी, सॉरी 1612 में आपका एस्टैब्लिश की गई थी। बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये रॉयल इंडियन नेवी या RIN के तौर पर 1934 में एस्टैब्लिश की गई। इसका जो मोटो है वो है मे लॉर्ड ऑफ वॉटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, या फिर शम नो वरुणा इसका मोटो है, ठीक है, इंडियन नेवी का। और जो नेवी डे है वो आपका जो है हर साल, नेवी डे की अगर मैं बात करूं आपका, तो नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को आपका जो है ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका, तो जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो इसको कमांड करते हैं, और अभी फिलहाल एडमिरल आर हरि कुमार इसके जो है आपका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। इसी के साथ साथ जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर जो हमारी इंडियन नेवी है उसको, उसके जो कमांडर इन चीफ थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, उनका नाम था रियल एडमिरल जॉन टैल्बर्ट सेविग्नैक हॉल। और जो फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हुए उस समय पर, तो वाइस एडमिरल सर विलियम एडवर्ड पेरी, और फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल रामदास कटारी जो है वो आपका फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। अब अगर मैं बात करूं आपका इंडियन नेवी की, तो आप देख सकते हैं यहां पर इसके 3 कमांड्स है, वी हैव 3 डिफरेंट कमांड्स, जिसमें आपका वेस्टर्न नेवल कमांड है मुंबई में, साथ ही आपका जो ईस्टर्न कमांड है वो आपका विशाखापट्टनम में, और सदर्न कमांड आपका कोची में आपका लोकेटेड है। ये 3 कमांड्स है आपका इंडियन नेवी की। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है नेवी की ही, तो आपका नेवी कैसे ऑपरेट करती है। तो आप सभी जानते हैं नेवी में आपका वॉरशिप्स या फिर सबमरीन्स होते हैं। जो वॉरशिप या सबमरीन्स होते हैं वो नेवल ऑफिसर इन चार्ज जो कि कमोडोर रैंक के होते हैं वो इसको आपका जो है कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फिर आपका फ्लीट या फ्लोटिला या फिर स्क्वाड्रन होता है जिसको फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग या रियर एडमिरल रैंक के आपका ऑफिसर उसको कमांड करते हैं। उसके बाद नेवल कमांड्स जो आपका टोटल 3 है उनको कमांड करते हैं FOC in C, यानी कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो कि वाइस एडमिरल रैंक के होते हैं। एंड देन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जो आपका नेवी हेडक्वार्टर है, नेवल हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वो इन सभी कमांड्स के ऊपर अपना जो है जो कंट्रोल है वो आपका रखता है। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर बात करें आपका, तो आप यहां पर देख सकते हैं बेटा सभी रैंक्स, ठीक है, एग्जाम में रैंक्स आपका पूछी जाती है और इक्विवेलेंट रैंक्स भी आपका पूछ लिया जाते हैं। तो अगर आप देखें इंडियन आर्मी को जब आप ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर, तो आप जो है लेफ्टिनेंट के तौर पर जाते हैं, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद फिर कर्नल, फिर देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक आप पहुंचते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, मोटो जो संस्कृत में से है वो कहां से लिए गए हैं प्लीज ये भी बता दीजिए। ओके, ऑलराइट, ठीक है। इसी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं, इंडियन एयरफोर्स को जब आप ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर, तो जब आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे एज एन ऑफिसर, तो आप जो है फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर जाते हैं, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और फिर एयर चीफ मार्शल। एंड इंडियन नेवी के लिए आप जब आप अपॉइंट होते हैं, तो आप सबसे पहले आप सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड देन फुल एडमिरल। तो आप यहां पर देखें तो बेटा कई बार इक्विवेलेंट रैंक्स पूछ ली जाती है, तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, रैंक स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है ओवरसीज बेसिस की। हमारी जो है आपका जो इंडियन आर्म फोर्सेस है ये आपका ओवरसीज बेसिस भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपका फुली ऑपरेशनल जो एयरबेस है फरखोर, ये आपका जो है दैट इज लोकेटेड इन तजिकिस्तान। तजिकिस्तान में आपका फरखोर एयरबेस है, ये आपका इंडियन एयरफोर्स आपका जो है इसको ऑपरेट करती है। ये आपका तजिकिस्तान की जो राजधानी है या फिर कैपिटल है दुशनबे, उसी के पास दुशनबे के पास ही आपका 130 किलोमीटर पर है इंडियन एयरफोर्स का बेस है। और ये आपका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल आउटसाइड एयरबेस है इंडिया का, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो इसके अलावा तजिकिस्तान में एक और एयरबेस है आइनी। आइनी एयरबेस पर सिर्फ हेलीकॉप्टर्स आपके यहां पर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहां पर स्टेशन है, हालांकि ये ऑफिशियल एयरबेस नहीं है आउटसाइड इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें आपका तो अपार्ट फ्रॉम दिस मॉरिशस की अगर हम बात करें तो मॉरिशस में हमारे जो है कोस्टल सर्विलेंस रेडार जिसको CSR कहते हैं वो स्टेशन है, ठीक है। इसी के साथ साथ मेडागास्कर की अगर मैं बात करूं आपका तो मेडागास्कर में सिगेंट के लिए लिसनिंग पोस्ट जो है वो आपका बनाए गए। सिगेंट क्या है, जो आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस डाटा गैदर किया जाता है वो आपका सिगेंट कहलाया जाता है, यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस, ठीक है, सिगेंट कहा जाता है। इसी के साथ साथ CSR जो है जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ओमान है, मालदीव्स है, शेशल्स है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, यहां पर जितने भी आपका जो है इंडियन जो आपका ओशन में आपके कंट्रीज है वहां पर कोस्टल सर्विलांस रेडार्स और साथ ही साथ बर्थिंग राइट्स जो है वो आपका मिली हुई है इंडियन नेवी को। एंड प्लस अगर मैं बात करूं आपका तो वी हैव नेवल एयरबेस जो कि आपका मस्कट ओमान में भी है, ठीक है, ओमान में भी हमारा एक नेवल बेस है। ईरान में आपको पता ही है चाबार पोर्ट हम जो है डेवलप कर रहे हैं जिसके लिए वहां पर हमारी जो आर्म फोर्सेस स्टेशन्ड है इन ईरान। तो ये सभी हमारे जो है इंडियन ओवरसीज बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है आउटसाइड। बर्थिंग राइट्स होती है बेटा जब हमारी जो शिप्स है वो वहां से गुजरती है तो वो वहां पर आपका बर्थ मतलब वहां पर रुक सकती है, ठीक है, दे कैन हार्बर एट देयर प्लेसेस, दैट इज बर्थिंग राइट्स, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे आपका जो वेरियस इंडियन आर्म फोर्सेस के इक्विपमेंट्स है उनके बारे में कि कौन कौन से आपके इक्विपमेंट्स हमारी जो है फौजें यूज कर रही है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले आपका इंडियन आर्मी के इक्विपमेंट्स की, फिर एयरफोर्स, फिर आपका नेवी के इक्विपमेंट्स की। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी की बात करूं तो इंडियन आर्मी ने आप सभी को पता होना चाहिए कि जो न्यू बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म है इसको आपका जो है रिवील किया था और ये आपका जो है अब यूज की जाने लगी है। जो बैटल ड्रेस है ये आपका NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा आपका डिजाइन की गई है और इसमें आप अगर देखें तो आपको पिक्सेलेटेड आपको जो है कैमोफ्लाज पैटर्न आपको दिखाई देगा और ये आर्मी डे 2022 में रिवील की गई थी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका तो भाभा कवच भी आपका यूज किया जाता है, ठीक है। भाभा कवच जो है आप यहां पर देख सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि आपका डिजाइन की गई है इंडिया में ही, इंडिजीनियस है और ये आपका बैलिस्टिक वेस्ट डिजाइन है इंडियन आर्मी के लिए और इसको जो नेमिंग की गई है वो आपका होमी जहांगीर भाभा के नाम पर आपको इसको नामकरण इसका नामकरण किया गया। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो राइफल और साथ ही साथ LMGs के लिए जो लाइट मशीन गन होती है उसके लिए इंडियन आर्मी इंडिजीनियस आर्म सिस्टम का यूज करती है जिसका नाम है इंसास, ठीक है। इंसास का जो फुल फॉर्म है वो आप यहां पर देख सकते हैं, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये आपका फुल फॉर्म है इंसास का और इसको जो है ARDE यानी कि आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा आपका डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया है। इसकी जो कार्ट्रिज है वो 5.56 mm की है, ठीक है, 5.56 × 45 उसका डायमीटर है। वो जो कार्ट्रिज है वो इसमें आपका यूज की जाती है या फिर बुलेट्स आपका जो है वो यूज की जाती है और साथ ही साथ इसके रेट ऑफ फायर की बात करें तो एक मिनट में ये 600 से 650 राउंड फायर कर सकती है। इसी के साथ साथ फायरिंग रेंज की बात करें तो ये आपका जो है 400 मीटर तक राइफल और जो इसकी जो LMG है जो लाइट मशीन गन है वो आपका जो है 700 मीटर तक फायर कर सकती है। ये पुरानी है लेकिन अभी आपका जो है इंडियन आर्म फोर्सेस यूज करती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ AK-203, ठीक है, AK-203 ये आपका रशियन गैस ऑपरेटेड आपका जो है असॉल्ट राइफल है जो आप यहां पर देख सकते हैं जिसको इनिशियली आपका डिजाइन किया गया था मिखेल कालेशनिकोव ने,
ठीक है, और ये आपका जो है बेसिकली जो आपका AK-56 है, AK-47 है, उसके तरह ही आपका डिजाइन की गई है। बहुत कम लोगों को पता होगा AK-56-47 इनके नाम में जो 46 और 47 है वो नंबर ऑफ पार्ट्स को डिजाइन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो यहां पर जो बुलेट्स यूज की गई जाती है उसका जो कैलिबर है या फिर कार्ट्रिज जो है वो आपका 7.62 mm की यूज की जाती है, और ये जो आपका जो राइफल है ये लगभग 700 राउंड फायर कर सकती है इन अ मिनट। इसी के साथ साथ इसकी जो फायरिंग रेंज है, इफेक्टिव फायरिंग रेंज, वो आपका 800 मीटर है। इफेक्टिव फायरिंग रेंज का मतलब है 800 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 800 मीटर, ये आपका 1 किलोमीटर तक भी मार सकती है, लेकिन फिर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे, आपको ट्रेजेक्ट्री वगैरह का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये अब आपका जो है AK-203 ये हमारे यहां पर इंडिजीनियसली बन रही है, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो आपका अमेठी में है उत्तर प्रदेश में, वो आपका जो है AK-203 को आपका जो है डिजाइन, मतलब उनको उनका प्रोडक्शन कर रही है। इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी पर्सनल माइन की। जो एंटी पर्सनल माइन है, देखो जो माइंस होती है वो आपका डिफरेंट तरीके की होती है। कुछ माइंस होती हैं जो कि एंटी टैंक माइन होती हैं। एंटी टैंक माइंस जो टैंक्स के लिए यूज की जाती है, उसके ऊपर अगर आप पैर रख दो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे डिजाइन की गई है कि जब तक उनके ऊपर टैंक जितना वेट ना पड़े तब तक वो ब्लास्ट नहीं होती। लेकिन जो एंटी पर्सनल माइंस है ये आपका जो है काफी लाइट होती है, और इस पर हल्का सा पैर फटते ही लगते ही आपका फट जाती है। तो ये आपका अगेंस्ट ह्यूमन यूज की जाती है, और बेटा ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए एंटी माइंस के लिए, जो एंटी पर्सनल माइंस है उनके लिए ओटावा ट्रीटी जो है ये आपका इंट्रोड्यूस की गई थी 1997 में, जो इन माइंस को बैन करती है और साथ ही साथ इसके जो स्टॉक पाइल है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करती है। लेकिन ये जो आपका जो ओटावा ट्रीटी है ये आपका लागू नहीं हो पाई आज तक, ठीक है, ये आपका लागू नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो एंटी पर्सनल माइंस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निपुण, प्रचंड, उल्का एंड पार्थ आर। तो ये क्या है, ये चारों आपका जो इंडिया में जो हम एंटी पर्सनल माइंस यूज करते हैं उनके नाम है निपुण, प्रचंड, उल्का और पार्थ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चारों आपका एंटी पर्सनल माइंस है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं टैंक्स की। तो इंडिया में काफी सारे डिफरेंट टैंक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन या जो हमारा मेन बैटल टैंक है, ये थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है जो कि आपका डेवलप किया गया है बाय DRDO, और साथ ही साथ ये आपका बेसिकली आपका जो फर्स्ट रेजिमेंट जो अर्जुन टैंक से आपका बनी थी उसका जो यूनिट है दैट इज 43rd आर्मर्ड रेजिमेंट। यह आपका पहली रेजिमेंट है जिसने आपका अर्जुन को रिसीव किया था 43rd आर्मर्ड रेजिमेंट में, और इसमें आपके क्रू मेंबर्स 4 होते हैं, ठीक है, 4 लोग आपका जो है इसके अंदर बैठ सकते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें, आपका एक कमांडर होता है जो टैंक को कमांड करता है, उनके साथ एक गनर होता है, एक लोडर होता है जो कि आपका गोले लोड करता है, एंड एक ड्राइवर होता है जो टैंक को उसके गंतव्य या जहां पर भी लेकर जाना है उसको लेकर जाता है। इसका आर्मर अगर आप देखें, ठीक है, इसका आर्मर जो है वो आपका कंचन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंचन क्या है, तो ये जो कंचन है ये इसका आर्मर है, या फिर इसके ऊपर जो आपका प्रोटेक्टिव प्लेटिंग है वो कंचन कहलाती है, और इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो आपका 450 किलोमीटर है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टैंक की, तो दैट इज T-90 भीष्म, ठीक है। T-90 भीष्म की बात करें तो ये आपका इस बार जो आपका 75th रिपब्लिक डे था उसमें भी आपका डिस्प्ले किया गया था T-90 भीष्म, और ये जो T-90 है ये भी थर्ड जनरेशन टैंक है, लेकिन ये आपका रशियन मेन बैटल टैंक है। रशियन मेन बैटल टैंक है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो कहां है, रशिया में इसका ओरिजिन है। साथ ही साथ ये आपका जो T-72 है उनको रिप्लेस करने के लिए आपका लाया गया था। जो इंडियन वर्जन है ये आपका रशिया के साथ साथ फ्रांस की असिस्टेंस के साथ आपका बनाया गया है। इसमें आपका फ्रांस के जो है आपका जो है कैथरीन FC थर्मल साइट्स लगी हुई है, और साथ ही साथ रशिया का जो यहां पर एक्सप्लोसिव रिएक्टर आपका लगा हुआ है जिसका नाम है Contact 5, और इसकी ऑपरेशनल रेंज अर्जुन से ज्यादा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो आपका 550 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज यानी कि आप जो है अगर मैं बात करूं आपका, तो जो टैंक्स है ये कहां तक ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और इन अ वन फ्यूलिंग ये आपका कहां तक जा सकते हैं।
इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टैंक की, जिसका नाम है T72 अजय, जिसको कि रिप्लेस करने के लिए T72, अभी मैंने आपको बताया, इसी को रिप्लेस करने के लिए T90S भीष्म आपके लाए गए थे, ठीक है। तो T72 अजय जो है ये इंडियन वर्जन है आपका T72 Mark 1 का, ये जो ये भी आपका सोवियत यानी कि रशिया में डिजाइन किया हुआ आपका मेन बैटल टैंक था। अजय मार्क वन अभी भी है, ये ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है। अजय मार्क वन मार्क टू ये आपका जो है कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजय के साथ अभी फिलहाल सर्विस में है, और साथ ही साथ एक और आपका प्रोटोटाइप यहां पर डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है टैंक एक्स या फिर कर्ण टैंक। ये जो कर्ण टैंक है ये आपका वो MBT है जिसमें अर्जुन का आपका टरेट और वेपन सिस्टम लगेगा, और T72 का आपका जो चेसिस है चेसिस यही रहेगा, यानी कि बाहर की बॉडी यही रहेगी लेकिन जो टरेट है और जो आपका जो वेपन सिस्टम है वो अर्जुन का यूज किया जाएगा इसमें, और फिर इसको कर्ण टैंक का नाम दिया गया है, मतलब अभी इसके ऊपर आपका काम चल रहा है। इसी के साथ साथ जोरावर की भी बात कर ले, है ना। जोरावर जो है ये इंडियन लाइट टैंक है। देखिए जब 1999 का आपका कारगिल वॉर हुआ उस समय पर ये देखा गया कि कारगिल जैसी जगहों पर हमारी जो आर्मर्ड यूनिट्स हैं वो आपका आपका कामयाब नहीं है, क्योंकि वो जो डिफिकल्ट टेरेन है उस पर आपका चढ़ नहीं सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो लाइट टैंक है उनको बिल्ड करने के लिए आपका जो है इंडियन लाइट टैंक का डिजाइन जो है वो आपका बिल्डअप किया गया, जिसको AFV ILT भी कहा जाता है, इंडियन लाइट टैंक, ठीक है। जोरावर इसको नाम दिया गया है, जो 19th सेंचुरी डोगरा जनरल थे जोरावर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम आपका पड़ा हुआ। ये डेवलपमेंट ट्रायल्स में है, ठीक है, और ये आपका जो है 2024 में इसके डेवलपमेंट ट्रायल्स आपके शुरू हो चुके हैं, तो बेटा एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है जोरावर टैंक्स के बारे में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपका विजयंता की। विजयंता भी आपका मेन बैटल टैंक था, ठीक है, इट वॉज, है ना। विजयंता जो है अगर मैं बात करूं आपका, ये आपका जो है सबसे पहले हमारे यहां पर जो आपका जो टैंक था इंडिया में आपका बिल्ड किया गया था लाइसेंस डिजाइन लेकर व्हीकल्स MK1 यानी कि व्हीकल्स मार्क वन का, ठीक है, व्हीकल्स मार्क वन UK का आपका टैंक है, और उसी के बेसिस पर आपका विजयंता टैंक आपका जो है वो आपका बनाया गया। फर्स्ट इंडिजीनियस टैंक था आपका इंडियन आर्मी का, और ये अब आपका जो है 2008 के बाद जो है इसको फेज आउट जो है वो आपका किया जा रहा था, और इसको आपका जो है रिप्लेस कर दिया गया या फिर इसको सप्लीमेंट कर दिया गया बाय T72 अजय। नेक्स्ट इज BMP2 सारथ। BMP2 सारथ की अगर मैं बात करूं आप यहां पर देख सकते हैं BMP का मतलब है आपका बोएवाया मशीना पेखोटी। अब ये BMP क्या होता है, देखिए BMP बेसिकली आपका जो है इन्फेंट्री व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होते हैं इन्फेंट्री व्हीकल्स होते हैं, और एम्फीबियस होते हैं, यानी कि आपका जो है क्या कर सकते हैं ये पानी में भी और लैंड पर भी दोनों पर आपका जो है काम कर सकते हैं। तो सारथ जो है बेटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो BMP2 इसको सारथ के नाम से भी जाना जाता है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसको 1980s में आपका जो है सोवियत यूनियन में आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद इंडिया में ये आपका BMP2 जो है आपका सोवियत यूनियन से लाइसेंस लेकर आपका बिल्ड किए जाने लगे, जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मेडक में उसके द्वारा, और उसके बाद अब इसको जो है मॉडिफाई कर दिया गया। यही BMP2 सारथ जब मॉडिफाई किया गया तो मॉडिफाई करने के बाद इसमें आपका नाग मिसाइल जो है वो आपका लगाई गई, और इसको इसी का जो वेरियंट है मॉडिफाइड वेरियंट है उसी को हम बोलते हैं नामिका। नामिका जो है वो आपका नाग मिसाइल कैरियर है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो राजेंद्र जो आपका रडार है वो भी आपका इसके ऊपर ही आपका बना हुआ है, ऊपर से ये वाला फेस हटा दिया और उसके ऊपर आपका राजेंद्र रडार, यानी कि अगर मैं बात करूं मल्टीफंक्शनल 3D फेज्ड रडार या फिर मुफरा भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ अनमैंड रिकॉन व्हीकल या रिकॉनेसेंस व्हीकल भी आपका डेवलप किया गया है जिसको हम मुंत्रा कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है BMP2 सारथ के ऊपर ही आपका डेवलप किए गए, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका HYDRIMA 910 MCV की। HYDRIMA 910 MCV आपने देखा होगा आपका जो रिपब्लिक डे पे, ये आपका माइन क्लियरिंग व्हीकल है। एमसीवी मतलब माइंड क्लियरिंग व्हीकल, और ये कहां से लिया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डेनमार्क,
ठीक है, डेनमार्क से आपका लिया गया है और ये आपका जो है यूएस आर्मी के साथ आपका जो है सबसे पहले इसको जो है आपका यूज किया गया था बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान वॉर चल रही थी तो यूएस वॉज द फर्स्ट वन टू यूज हाइड्रिमा माइन क्लियरिंग व्हीकल्स। इसके बाद फिर सर्वत्र की बात करते हैं, सर्वत्र आप यहां पर देख सकते हैं, सर्वत्र मोबाइल स्पैन मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज सिस्टम इसको कहा जाता है। अगेन रिपब्लिक डे परेड पर आपने इसको देखा होगा आपका जो है कर्तव्य पथ पर, तो ये आपका एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र, जो कि आपका जो है ब्रिजिंग सिस्टम को के लिए आपका यूज किया जाता है। कहीं पर भी आपका ब्रिज लेआउट करना है तो उसके लिए आपका यूज किया जाता है, डीआरडीओ द्वारा आपका डेवलप किया गया है, इट इज अ मोबाइल ब्रिज सिस्टम। ठीक है, तो 75 मीटर लंबा है, मल्टी स्पैन है और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका फाइव सीजर ब्रिजेस आपके यहां पर बनते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय का यूज किया गया है, 15 मीटर का आपका जो है इसका कंप्लीट स्पैन है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करें आपका इंडियन आर्मी की ही, तो इंडियन आर्मी में इस समय पर आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर ट्रायल्स भी आपका चल रहे हैं, ठीक है, डीआरडीओ दक्ष। डीआरडीओ दक्ष जो है वो आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं रोबो सिस्टम है जो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो आपका यूज कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड है और रिमोटली आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका तो ये किसी भी तरीके के हजार्डस ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर सकता है, उनको हैंडल कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मेन पर्पज इसको जो है बॉम्ब रिकवरी के लिए यूज किया जाना था, लेकिन अब इसको हम मल्टीपल यूजेस में आपका ला सकते हैं, डीआरडीओ दक्ष। इसका नेक्स्ट वन इज पिनाका एमबीआरएल। एमबीआरएल का मतलब है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो ये जो आपका जो पिनाका है एमबीआरएल है, ये आप अगर यहां पर देखें तो इसको भी जो है डीआरडीओ द्वारा आपका डेवलप किया गया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसकी जो रेंज है बेटा ध्यान रखना, मार्क वन की रेंज है वो आपका 40 किलोमीटर है, साथ ही साथ 60 किलोमीटर है आपका जो है मार्क टू की, और अभी इसका मार्क थ्री हम जो है आपका बना रहे हैं और उसकी जो आपका रेंज होगी वो आपका 120 किलोमीटर के आसपास होगी। ये 44 सेकेंड्स में आपका 12 रॉकेट्स फायर कर सकती है पिनाका, ठीक है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट पिनाका रेजिमेंट थी वो आपका फरवरी 2000 में आपका रेज की गई थी, जिसमें आपका 3 बैटरीज थी 6 पिनाका की, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका तो जो आर्मेनियन ग्राउंड फोर्सेस है ना, अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं आपका आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया इज वन ऑफ द परचेजर ऑफ द पिनाका एमबीआरएल, जिनको कि आपका जो है पिनाका जुलाई 2023 में आपका दी गई थी, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के समय पर, आपको याद होगा अगर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट वन इज K9 वज्र टी, ठीक है, ये आपका होवाइजर है, ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड होवाइजर। अब ये अलग चीज क्या है ना, टैंक हमने देखे, ये भी एक टैंक ही है, ठीक है, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ टैंक, लेकिन इसमें और टैंक्स में आपका फर्क क्या होता है, देखिए यहां पर हम देखें आपका तो ये 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवाइजर है, ठीक है। अब होता क्या है अगर आप यहां पर देखें तो नॉर्मली जो आपके टैंक्स का जो आर्मामेंट होता है, जो उसके लिए जो हम बॉम्ब्स यूज करते हैं, वो सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं होते, उनके पीछे आपका प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन K9 वज्र टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं आपका सेल्फ प्रोपेल्ड, यानी कि वो अपने आप ही अपना प्रोपल्शन ले सकते हैं। एक उनको इनिशियल आपका जो है लॉन्च किया जाता है एंड देन दे कैन सेल्फ प्रोपेल्ड एंड बी गाइडेड। इस टाइप के आपके जो गाइडेड सिस्टम होते हैं उन्हीं को आपका सेल्फ प्रोपेल्ड होवाइजर कहा जाता है, और ये मेनली आपका जो है जिस समय पर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ था उस समय पर ये आपका माउंटेन्स में भी आपका इनको डिप्लॉय किया गया था, और साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखें तो स्टील आर्मर आपका यूज किया गया है जो 19 मिलीमीटर तक आपका थिक है और इसकी रेंज जो है 40 किलोमीटर है। बस्ट रेट फायर जो है इसका आपका 3 राउंड्स जो है वो हर 15 सेकंड में आपका बस्ट रेट के साथ फायर कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें धनुष होवाइजर की, तो धनुष भी आप यहां पर देख सकते हैं, बेसिकली आपका जो है आर्टिलरी सिस्टम है, होवाइजर है, और यहां पर हम देखें तो टोड होवाइजर है, ये भी आपका क्या है आर्टिलरी गन है, ठीक है, आर्टिलरी गन जो आपका जो है जिसको हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है धनुष होवाइजर, ठीक है। और यहां पर हम देखें तो इसकी रेंज जो है वो आपका 40 किलोमीटर है, जो ओरिजिनली आपका 38 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसकी रेंज जो है वो आपका बढ़ा दी गई है, जो इसका जो नेक्स्ट या अपग्रेडेड वर्जन है उसमें आपका इसकी रेंज
42 किलोमीटर है। इसका जो एलिवेशन है आपका क्या है, ये एक गन है, आर्टिलरी गन है। तो एलिवेशन मींस कितने ऊपर तक इसकी जो है आपका जो तोप है वो आपका ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आप यहां पर देखें इसका एलिवेशन जो है वो -3 डिग्री से और आपका +70 डिग्री तक हो सकता है ना, -3 डिग्री और उसके बाद 70 डिग्री तक ही आपका एलिवेटेड हो सकती है। और ट्रैवर्स मतलब साइडवेज आपका कितनी आपका मूव कर सकती है, तो ये आपका राइट या फिर लेफ्ट 30 डिग्री तक आपका मूव कर सकती है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपका तो 150 mm के लिए आपका जो है इंप्रूव्ड वर्जन जो इसका जो शेल है उस शेल के लिए आपका जो आईआईटी मद्रास के साथ साथ आईआईटी कानपुर और जो एआरडी है आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और जो आरसीआई है यानी कि आपका रिसर्च सेंटर इमारत, ये चारों आपका वर्क कर रही है आपका ऐसे आपका जो है जो हमारी जो आर्टिलरी शेल्स है या बॉम्ब्स है उनको डिजाइन करने में, जिनकी रेंज जो है वो आपका 60+ किलोमीटर होगी और इनके अंदर एक प्रोपल्शन सिस्टम होगा जो कि इसको आपका गाइड करेगा, प्रोपेल करेगा। और वो जो प्रोपल्शन सिस्टम होगा वो रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका धनुष के बाद आईओबी शारंग की। आईओबी शारंग भी आपका जो है ये भी क्या है, आर्टिलरी गन है। आप यहां पर देख सकते हैं टोट गन है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक आपका टो करके ले जाया जा सकता है। आईओबी शारंग जो है वो इनिशियली आपका जो है 130 mm में आपका इसको डिजाइन किया गया था। इसका जो गोला था जो शेल था वो 130 mm था, लेकिन बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया है 155 mm अपग्रेडेड M46 टोट गन है। ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ही आपका इसको डिजाइन किया है और मैनुअली लोडेड आर्टिलरी टोट गन है जो इनिशियली आपका जो है कहां पर आपका जो है सोवियत यूनियन में आपका मैन्युफैक्चर की गई थी। इसका एलिवेशन की बात करें तो ये -2.5 डिग्री से और 60 डिग्री तक एलिवेट हो सकती है। एंड ट्रैवर्स की बात करें यानी कि साइडवेज ये आपका 50 डिग्री तक आपका जो है साइडवेज हो सकती है और इसकी रेंज जो है वो आपका 27 किलोमीटर से अब 36 किलोमीटर तक आपका अपग्रेड कर दी गई है। जब इसका जो है आपका जो शेल है वो आपका चेंज किया गया 130 से 155 तो इसकी रेंज भी अपग्रेड हो गई है 27 से अब 36 किलोमीटर तक की आपका इसकी रेंज है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ATAGS की, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATAGS स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये हमारा अटैक है, ठीक है। ये आपका टोड, ये भी टोड आपका गन है, 155 mm का आपका शेल इसमें यूज किया जाएगा और ये अभी आपका डेवलप नहीं की गई है, मतलब अभी आपका जो है ये टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। और इसको आपका डेवलप किया जा रहा है इंडिया में ही और इसका एलिवेशन जो है वो आपका -3 से 75 डिग्री तक रहेगा और ट्रेवर्स की बात करें तो ये 25 डिग्री तक आपका साइडवेज आपका जो है इसको टिल्ट किया जा सकता है। इफेक्टिव फायरिंग रेंज इसकी 48 किलोमीटर है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका तो इनमें से 6 गन आपका जो है वो आर्मेनिया को भी आपका ट्रांसफर की गई है। इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं ADTCR की, एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, है ना। ये जो आपका ADTCR है ये भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है, एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, ठीक है। ये आपका देखो नाम से पता चल रहा है एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार, यानी इसको यूज किया जाता है किसके लिए, एयर डिफेंस के लिए। ये एयर डिफेंस के लिए आपका यूज किया जाता है, आपका सर्विलांस के लिए आपका यूज किया जाता है, डिटेक्शन के लिए, ट्रैकिंग के लिए और साथ ही साथ कौन अपना खुद का आपका प्लेन है या फिर दुश्मन का प्लेन है ये पता लगाने के लिए, है ना। ऐसा ना हो ना कि अपने ही प्लेन को मार गिराए, तो उसके लिए भी आपका जो है इसको आपका जो है बनाया जा इसको यूज किया जाता है। और ये आपका छोटे से छोटे टारगेट्स को, लो फ्लाइंग टारगेट्स को भी आपका जो है डिटेक्ट कर सकता है और प्लस मैन्यूवरेबल जो टारगेट्स है यानी कि जो आपने एक सीध में नहीं चल रहे, एक तो ये है कि आपका एक सीध में आया उसको टारगेट को आपने आइडेंटिफाई किया, एक जो मैन्यूवरेबल टारगेट्स है उनको भी आपका आइडेंटिफाई किया कर सकता है DRDO ADTCR। इसके नोट्स कहां मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ऑलराइट, इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका तो रडार्स में ही हम बात करेंगे, स्वाति रडार अभी आपने देखा होगा, है ना, इसी रिपब्लिक डे पर आपने देखा होगा, वेपन लोकेटिंग रडार या फिर स्वाति रडार जिसको कहा जाता है।
ये लोकेटिंग रडार है और मोबाइल आर्टिलरी रोटेटिंग लोकेटिंग रडार है। देखिए जब भी आपका आर्टिलरी फायर होती है दुश्मन की तरफ से, आपका क्या होता है, आर्टिलरी गन्स आपका फायर करती हैं, तो उनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। अगर लोकेशन ही नहीं पता होगी तो जवाब में जब हमारी जो आर्टिलरी फायर करेगी वो कहां फायर करेगी, तो उसके लोकेशन को पता लगाने के लिए मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग रडार जो है इसी को आपका स्वाति रडार कहा जाता है। और ये आपका हॉस्टाइल आर्टिलरी साथ ही साथ मोर्टार और जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं इनका पता लगाने में सक्षम है और उनको ट्रैक करके हमारे जो आपका जो आर्टिलरी है उसको बताती है कि कहां पर वो आर्टिलरी गन्स रॉकेट्स या मोर्टार्स आपके फायर किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर हमारी तरफ से हमारी जो सेना है वहां पर धावा बोलती है। इसकी जो रेंज है आर्टिलरी के लिए 2 से 30 किलोमीटर तक है, रॉकेट्स के लिए आपका जो है 4 से 80 किलोमीटर तक है और साथ ही साथ मोर्टार्स के लिए आपका 2 से 20 किलोमीटर तक उनको ट्रैक कर सकता है ये स्वाति रडार। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट रडार की बात करें तो राजेंद्र रडार आप यहां पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ट्रूप लेवल आपका रडार है, प्राइमरी सेंसर है आपका आकाश वेपन सिस्टम का, आकाश मिसाइल है ना हमारी, आकाश मिसाइल का जो आपका प्राइमरी सेंसर है वो आपका राजेंद्र रडार है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो ये आपका एक्सटेंसिव सर्च कर सकता है। मैंने बताया बेटा स्नेहा, इसके नोट्स आपका मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ऊपर आपका मेरा टेलीग्राम, ऊपर जो है आप देखेंगे चैट सेक्शन में तो पिंड मैसेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सटेंसिव सर्च कर सकता है जो राजेंद्र रडार है, लगभग 150 किलोमीटर की आपका इसकी रेंज है और ये आपका 4 टारगेट्स, 4 डिफरेंट टारगेट्स को आपका 8 मिसाइल के साथ आपका जो है उनको एंगेज कर सकता है और फुल लोड ट्रैकिंग कैपेसिटी इसकी 64 टारगेट्स की है। एक साथ 64 टारगेट्स को ये आपका जो है क्या कर सकता है, लोकेट कर सकता है। ठीक है, राजेंद्र रडार के बाद हम बात करें आपका नेक्स्ट रडार की, तो वो है इंद्र रडार। आप यहां पर देख सकते हैं इंद्र रडार को, ये डॉपलर रडार है, इंडियन डॉपलर रडार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपका इंद्र रडार भी आपका कहा जाता है। ये आपका लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार है ना, खासकर जैसे आप देखें तो जो क्रूज मिसाइल है, जो मिसाइल वाला आपने मेरा सेशन देखा होगा, तो क्रूज मिसाइल क्या है, वो लो फ्लाई करती है, तो लो फ्लाइंग डिटेक्शन रडार इंद्रा कहलाता है, इंद्रा डॉपलर रडार है, एयरफोर्स और आर्मी दोनों इसको यूज करते हैं। इंद्रा वन ये मोबाइल सर्वेलेंस रडार है जो कि आपका लो लेवल टारगेट्स का डिटेक्शन करता है, जबकि इंद्रा टू जो है वो ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन करता है टारगेट्स का। ठीक है, इंद्रा वन वेपन्स जो टारगेट है उसको डिटेक्ट करता है और फिर इंद्रा टू उनको क्या करता है, उनको इंटरसेप्ट करता है आपका टारगेट्स का। और इसकी जो टारगेटिंग रेंज है या ट्रैकिंग रेंज है 90 किलोमीटर के आसपास है और ये 200 टारगेट्स एक टाइम पर आपका लोकेट कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट है आपका अश्वनी रडार। आप यहां पर देखिए अश्वनी रडार को आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। ये आपका जो है हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट्स जो होते हैं, है ना, जो आपका हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट्स होता है जो अपना रास्ता बार बार बदल देते हैं ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके प्लेन्स, ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलते, मैन्यूवर करते हैं, तो जो हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट्स होते हैं उनको ये आपका टारगेट कर सकता है, उनको आपका डिटेक्ट कर सकता है हाई प्रिसीजन के साथ, आउटस्टैंडिंग एक्यूरेसी के साथ अश्वनी रडार। इसी के साथ साथ सिचुएशनल अवेयरनेस देता है आपका हाई स्पीड फाइटर क्राफ्ट से, जो कि आपका जो है 200 किलोमीटर तक उनको डिटेक्ट करके और इंडियन एयरफोर्स को उनकी लोकेशन बता सकता है। ठीक है, रडार्स कैन बी डिटेक्टेड, रडार बेटा बिल्कुल, रडार किस पे काम करते हैं, रेडियो डिटेक्शन पर, रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, तो जब रेडियो सिग्नल जा रहा है तो रडार्स ऑफकोर्स आपका रेडियो सिग्नल्स के थ्रू आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोहिणी रडार, आप यहां पर देख सकते हैं रोहिणी रडार या फिर सेंट्रल एक्विजिशन रडार, इसको 3DCAR भी कहा जाता है। ये 3D रडार है जो कि आपका DRDO द्वारा आपका डेवलप किया गया है और ये आकाश सैम कैपेबल है आपका। ठीक है, यानी कि आपका जो है 150 टारगेट्स को आपका ट्रैक करके जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स है उनको आपका जो है डायरेक्ट कर सकता है उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। इसकी जो रेंज है 200 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 18 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी आपका ट्रैक कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो इसके 3 वेरिएंट्स आपके बनाए गए हैं रोहिणी रडार के। रोहिणी कौन यूज करता है, रोहिणी यूज करता है इंडियन एयरफोर्स।
ठीक है, रोहिणी इंडियन एयरफोर्स, इसी के साथ साथ रेवती, जो रेवती रडार है ये आपका नेवी यूज करती है, ठीक है, नेवी के पास यही रोहिणी रडार, वहां पर रेवती के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आर्मी की बात करें तो 3D TCR, ये आपका जो है रडार जो है वो आपका आर्मी यूज करती है। ये तीनों ही सेम रडार है, रेवती है, 3D TCR है या रोहिणी है, ये तीनों के तीनों ही आपका 3D CAR रडार्स है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लाई कैचर की। फ्लाई कैचर जो है ये आपका रडार सिस्टम है, जो कि आपका डिफेंस फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए, आपका एयर डिफेंस के लिए आपका यूज किया जाता है शॉर्ट रेंज में, है ना, शॉर्ट रेंज में बिल्कुल आपके पास कोई टारगेट है तो उसके लिए आपका फ्लाई कैचर, ये रडार सिस्टम आपका यूज किया जाता है। ऑल वेदर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है और साथ ही साथ ट्रैक वाइल्ड स्कैन, जब ये स्कैन कर रहा है उस समय पर उनको ट्रैक भी कर सकता है। और एक साथ आपका 3 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या फिर आपका सैम रॉकेट्स, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल रॉकेट्स को आपका, सरफेस टू एयर मिसाइल्स को आपका जो है उनको कंट्रोल कर सकता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये फ्लाई कैचर हमारी इंडिया यूज कर रही है, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये आपका नीदरलैंड से हमने लिया हुआ है, ठीक है, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है नीदरलैंड है। और ये आपका बोफोर्स गन्स के साथ आपका जो है यूज किए जाते हैं, बोफोर्स गन के साथ आपका जो है इनको यूज किया जाता है आर्टिलरी के साथ, या फिर इसको जो है आपका त्रिशूल मिसाइल्स के साथ भी आपका इन फ्यूचर यूज किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई हमारे रडार्स की। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ, चलते हैं अपने प्लेन्स के बारे में, देखते हैं कौन कौन से प्लेन्स हमारे जो है वो आपका इन सर्विस है। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा आपका जो है MiG-21 की, फ्लाइंग कॉफिन्स भी इनको कहा जाता है, MiG-21 या फिर मिकोयान गुरेविच MiG-21, ये सुपरसोनिक जेट फाइटर है और साथ ही साथ इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, जिसको मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने, आपका सोवियत यूनियन ने डिजाइन किया था, रशियन आपका जो है ये प्लेन है, ठीक है, रशियन ओरिजिन का है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो MiG-21 का लार्जेस्ट ऑपरेटर है और फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट था ये आपका इंडिया में, जो कि आपका इंडियन एयरफोर्स के साथ आपका जिसको यूज किया गया, MiG-21 फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने ये आपका अनाउंस किया कि वो अब आपका जो MiG-21 बाइसन्स हैं उनको तेजस से आपका रिप्लेस कर देगी बाय 2025। MiG-21 के बाद हम बात करते हैं MiG-29 की, ये भी आपका मिकोयान MiG-29, ये ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि आपका सोवियत यूनियन द्वारा ही आपका डेवलप किया गया। इंडिया जो है वो आपका फर्स्ट कमर्शियल कस्टमर था, इंटरनेशनल कस्टमर था आपका MiG-29 का आउटसाइड वॉर्सो पैक्ट। इसी के साथ साथ ये आपका जो एयरप्लेन्स है ये आपका इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ आपका इंडियन नेवी भी आपका यूज करती है। आप यहां पर देख सकते हैं नेवल वेरिएंट आपका MiG-29 का इन द पिक्चर। इसके बाद MiG-29 के बाद हम बात करते हैं LCA यानी कि हमारे तेजस की, ठीक है, जो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या फिर तेजस है, ये आपका HAL तेजस जो है वो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आपका जो है वो आपका डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ डेवलप किया गया है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए भी, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए अभी आपका इसके जो है टेस्टिंग फेज में आपका है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका सिंगल इंजन है, डेल्टा विंग आपका है और ये लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और अपनी क्लास में ये अपना जो है स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इससे पहले भी आपका एक जो एयरक्राफ्ट वो आपका डिजाइन कर चुकी थी फाइटर जेट, अगर मैं बात करूं HF-24 मारुत। और फर्स्ट एयरफोर्स स्क्वाड्रन जो है दैट इज नंबर 45 स्क्वाड्रन या जिनको फ्लाइंग डैगर्स भी कहा जाता है। सेकंड जो तेजस स्क्वाड्रन है उसका नाम है आपका नंबर 18 स्क्वाड्रन जिनको फ्लाइंग बुलेट्स कहा जाता है। ये दोनों आपका जो तेजस स्क्वाड्रन है, दीज आर टू ऑफ द तेजस स्क्वाड्रन। बिल्कुल नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका मिराज 2000 की बात करते हैं बेटा, इसका जो निक नेम है वो है वज्र, ठीक है, एग्जाम में आपका निक नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं तो वज्र हम इनको कहते हैं मिराज 2000 को। आप यहां पर देख सकते हैं प्लेन मिराज और ये आपका डेसॉल्ट यानी कि आपका फ्रांस के द्वारा आपका बनाया गया है, ठीक है, फ्रेंच आपका मल्टी रोल सिंगल इंजन आपका जो है फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है, ठीक है।
और मल्टी रोल है, यानी कि इसको डिफरेंट रोल्स में हम यूज कर सकते हैं। फाइटर के तौर पे भी, रिकॉन मिशन में भी आपका यूज किया जाता है। और जो पहली स्क्वाड्रन थी मिराज 2000 से, जिनको आपका बनाया गया था, दैट वाज नंबर 7 स्क्वाड्रन या फिर द बैटल एक्सेस। 12 मिराज 2000 जो है, आप सभी को याद होगा बालाकोट की एयर स्ट्राइक, तो 12 जो हमारे मिराज 2000 थे उनको बालाकोट एयर स्ट्राइक में आपका यूज किया गया था 26 जनवरी 2019 में। और इनमें से आपका जितने भी आपके जो मिराज थे उन सभी में इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब जो है लगा हुआ था, 1 टन का आपका बॉम्ब था जिसको आपका यूज किया गया था मिराज सिस्टम के साथ। इसी के साथ साथ हम बात करें सुखोई सू 30 मार्क 1 की या मार्क इंडियन एमकेआई, वैसे एमकेआई की बात करें तो मार्क ये आपका मार्क 1 नहीं एमकेआई ही है। ये रशियन में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है मेड फॉर इंडिया। तो सुखोई 30 एमकेआई, ये आपका इसका जो रिपोर्टिंग नेम है नाटो के द्वारा वो है फ्लैंकर एच। ये ट्विन सीटर है, दो लोग आपका इसमें बैठते हैं, ट्विन सीटर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ट्विन जेट मल्टी रोल आपका एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको कि आपका रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर सुखोई के द्वारा आपका डेवलप किया गया और ये आपका लाइसेंस के अंडर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आपका डेवलप या फिर प्रोड्यूस किया जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की जो मैं अभी आपको बात कर रहा था मिराज 2000 तो हमने यूज किए ही थे, लेकिन उनको एस्कॉर्ट करने के लिए हमने 4 सुखोई सू 30 मार्क एमकेआई जो है वो आपका यूज किए गए थे, ठीक है, जो कि आपका इन्होंने आपका जो आपके प्लेन्स है मिराज है उनको आपका एस्कोर्ट किया था इनटू द पाकिस्तान एयर स्पेस। पहली जो आपका स्क्वाड्रन थी जिसने सुखोई 30 एमकेआई को यूज किया, दैट वाज नंबर 222 टाइगर शार्क्स। ये आपका थंजावुर में बेस्ड आपका जो स्क्वाड्रन है, साउथ इंडिया की पहली आपका सुखोई सू 30 एमकेआई स्क्वाड्रन जो है वो आपका रेज की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे राफेल की, बिल्कुल रीसेंट एडिशन है राफेल, ये भी डसॉल्ट द्वारा आपका बनाया गया है फ्रांस के द्वारा। ये ट्विन इंजन है और साथ ही साथ किनार डेल्टा विंग के साथ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है डसॉल्ट एविएशन का। रफाल जो है ये आपका ओमनी रोल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है और 2023 में इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये डिसाइड किया कि आपका जो है डसॉल्ट रफाल को आपका नेवी के लिए भी प्रोक्योर किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए तो आपका प्रोक्योर क्यों ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका जो है इसको नेवी के लिए भी प्रोक्योर किया जाएगा। बेटा जो इसका विंग का डिजाइन होता है, जो विंग डिजाइन होता है वो आपके डिफरेंट होते हैं, उसी को आपका जो है डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे आप इसका विंग देख रहे हो, विंग अलग है, साथ ही साथ आप यहां पर देखें तो इसका विंग जो आपका उसकी शेप अलग होगी, तो विंग के शेप पर इनके नाम आपके पड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन इज जगुआर या फिर इसको शमशेर बोला जाता है, ठीक है, सिपेकैट शमशेर या फिर जगुआर। सिपेकैट जगुआर जो है आपका दो अलग अलग देशों ने आपका इसको बनाया है, ये आपका यूके यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों का आपका जो है जेट अटैक एयरक्राफ्ट है जगुआर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो केवल अकेली ऐसी आपका आर्म फोर्स है इस समय पर जो कि आपका जो है जगुआर्स को एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मिशंस में आपका यूज किया है इंडिया ने, ठीक है, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में आपका यूज किया गया है। 99 कारगिल वॉर में इसने एक्टिव रोल प्ले किया था जहां पर इसने आपका अनगाइडेड और लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है वो आपका ड्रॉप किए थे कारगिल जोन में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन इज अम्ब्रेयर R99 या इसको नेत्र मार्क 1 कहा जाता है। अभी तक तो हमने बात की फाइटर्स की, अब मैं यहां पर बात करूंगा आपका अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स की, ठीक है। इनको अवैक भी कहा जाता है, इनको जो है आपका अवैक भी कहा जाता है क्योंकि आपका जो है एयर में रहते हैं, एयर में रहते हुए इनके ऊपर आपका रडार सिस्टम होता है, ठीक है, डिटेक्शन सिस्टम होता है। होता क्या है, जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज हैं वो आपका जो है उनका जो एरिया होता है ऑफ द डिटेक्शन वो आपका काफी कम होता है, लेकिन जब हम जो है आपका इस तरीके के अवैक्स यूज करते हैं तो ये इनका एरिया बढ़ जाता है, स्पैन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम जो है आपका एनिमी एयरक्राफ्ट एनिमी मिसाइल्स को आपका जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैं बात करूं यहां पर तो एम्ब्रेयर R9 ये ब्राजीलियन आपका जो है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट का जो आपका एयर फ्रेम है वो आपका नेत्रा के लिए यूज किया गया है, नेत्रा मार्क 1 के लिए आपका यूज किया गया है और इसकी 240 डिग्री रडार कवरेज है।
ये आपका 240 डिग्री तक आपका जो है पूरे एरिया में आपका जो है रडार के साथ अपना कवर कर सकता है, डिटेक्शन कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है एयरबॉर्न और जो आपका सी सरफेस टारगेट्स है। नेत्रा मार्क टू भी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। नेत्रा मार्क वन ये हमारा अवाक है और इसी के साथ साथ हम दूसरा अवाक या फिर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट वो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें मार्क टू में हम एयरबस A321 का एयर फ्रेम यूज करेंगे। देखो जो प्लेन होता है वो तो सेम ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपका रडार्स आपके लगा दिए जाते हैं, तो जो एयर फ्रेम यूज किया जाएगा वो एयरबस A321 का यूज किया जाएगा। एयर इंडिया से ये आपका एयर फ्रेम लिया जा रहा है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिरीव A50 ये आपका सोवियत यानी कि रशियन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि आपका IL-76 के ऊपर बेस्ड है। IL-76 ट्रांसपोर्ट जो आपका एयरक्राफ्ट है उसको यूज किया गया और इसके इसको जो है आपका बिरीव A50 कहा गया। इंडियन वर्जन में आपका जो रडार आप यहां पर देख रहे हो, ये रडार जो है वो आपका इसराइल से लिया गया है। इजरायली रडार जो है वो हमने आपका इसमें यूज किया है इंडियन वर्जन में। और नंबर 50 स्क्वाड्रन जो 2009 में आपका जो है जिसको आपका रेज किया गया वो आपका बिरीव A50 को आपका यूज करती है और साथ ही साथ फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ, ठीक है। फाल्कन भी आपका जो है वो यहां पर है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रिकॉन एयरक्राफ्ट की, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हमें दुश्मन के एरिया में जाना होता है, दुश्मन के एरिया में जाकर पता लगाना होता है कहां पर कौन कौन से दुश्मन इकट्ठा हैं, तो उसके लिए हम रिकॉन या रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, जिसमें हम बोइंग 707 यूज करते हैं। ये आपका US से लिया गया है। सर्विलांस मिशन के लिए आपका यूज किया जाता है ग्लोबल 5000, ये आपका US से ही लिया गया है ग्लोबल 5000। इलेंट के लिए गल्फ स्ट्रीम G100 या आपका इसराइल से लिया गया है सर्विलांस मिशन के लिए, और गल्फ स्ट्रीम 3 या आपका यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है इलेंट के लिए। अब इलेंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक इलेंट इंटेलिजेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेंट बोलते हैं। और ये भी आपका सिगेंट की तरह ही काम करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनको आपका गैदर किया जाता है ना, जितने भी आपके मिसाइल्स हैं, जितने भी आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे हुए है ना, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आपका जो है उसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो जो इलेंट के लिए हम यूज करते हैं आपका, जैसे ग्लोबल 5000 है, गल्फ स्ट्रीम 3 है, इनको हम जब यूज करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है उसको हम जो है आपका यहां पर प्रोसेस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एनिमी एयरक्राफ्ट आपका कहां पर है, और उसके थ्रू ही हम उसके बारे में जान पाते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉन के बाद आपका ट्रांसपोर्ट्स की। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उससे पहले मैं आपका रिफ्यूलर की बात करूंगा, इल्यूशन IL-78। ये आपका इल्यूशन IL-78 या फिर इसका रिपोर्टिंग नेम नाटो का है मिडास, ये आपका सोवियत या रशियन आपका जो है प्लेन है। 4 इंजन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है, ठीक है। आपका जो है रिफ्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है, एयर टू एयर जो आपका रिफ्यूलिंग की जाती है उसके लिए यूज किया जाता है। 6 IL-78 Mark 1 ये आपका जो है नंबर 78 स्क्वाड्रन जो आगरा में है, आगरा एयरफोर्स स्टेशन में, वो इनको आपका जो है ऑपरेट करती है। 6 Ilyushin IL-78। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की। तो यहां पर अगर आप देखें तो बोइंग 737 US से है, बोइंग 777 ये भी यूनाइटेड स्टेट से हमने लिया है, और एम्ब्रेयर लीगेसी 600 ये आपका ब्राजील से लिया गया है। जो आपका बोइंग 777 है आप यहां पर देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्स 1, ठीक है, या एयर इंडिया 1 के लिए आपका जो है ये यूज किया जाता है। यानी जितने भी आपका प्रेसिडेंशियल फ्लाइट्स हैं वो प्रेसिडेंशियल फ्लाइट्स आपका बोइंग 777 में आपका की जाती है। इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में हमारे पास एंटोनोफ AN-32 है, ये आपका यूक्रेन से हमने लिया है। डॉर्नियर DO-228 ये आपका जो है जर्मनी से लिया है, जिसको हमारे यहां पर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका जो है लाइसेंस बिल्ड कर रही है। साथ ही साथ EADS कासा C-295 ये आपका स्पेन से लिया गया है। देन वी हैव हॉकर साइडले HS-748 ये आपका UK से प्रोक्योर किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे यहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो हम यूज करते हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर की अगर मैं बात करूं तो बोइंग C-17
ग्लोब मास्टर 3, बोइंग C-17 या ग्लोब मास्टर 3 आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपका बोइंग ग्लोब मास्टर 3 जो है वो आपका लार्ज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा या उनके लिए आपका डेवलप किया गया था। ये आपका टैक्टिकल, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका तो स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट मिशंस आपका करता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है ट्रूप्स को, कार्गो को थ्रू आउट द वर्ल्ड, और साथ ही साथ एयरलिफ्ट मिशन भी आपका जो है वो आपका कर सकता है कौन, C-17 ग्लोब मास्टर। सॉरी, ठीक है। और खासकर जितने भी आपका जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो आपका इनके द्वारा आपका ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इल्यूशन IL-76 की, जिसको कि आपका गजराज कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आपका निकनेम है दैट इज गजराज। हालांकि मैं आपको और भी निकनेम्स बताऊंगा, मेरे साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है। एंड साथ ही साथ इन बिटवीन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, लाइक और शेयर भी करते रहे। ठीक है, IL-76 बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ये आपका जो है क्या कर सकता है, ये ट्रूप्स को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर है, और ये आपका जो है क्या कर सकता है, आपका जो हैवी मशीनरीज को भी आपका लिफ्ट कर सकता है, उनको रिमोट और पुअरली सर्व्ड एरियाज में आपका ट्रांसफर कर सकता है। ये एंटोनोव AN-12 को रिप्लेस करने के लिए आपका लाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं C-130J सुपर हरक्यूलिस की। C-130J सुपर हरक्यूलिस ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा आपका डेवलप किया गया है, 4-इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि यूएस से लिया गया। इंडियन एयरफोर्स जो है उसने आपका जो है इससे हाईएस्ट लैंडिंग भी आपका परफॉर्म की, दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट पर या एयर स्ट्रिप पर, जो कि आपका कहां पर लोकेट है, लद्दाख में। और ये आपका जो है शॉर्ट टेक ऑफ ले सकता है, सबसे अच्छी चीज तो यही है कि आपका शॉर्ट टेक ऑफ ले सकता है और लैंडिंग्स कर सकता है अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर, C-130J सुपर हरक्यूलिस। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर्स में MI-17 या फिर MI-17 नाटो का रिपोर्टिंग नेम है इसका हिप। ये जो है आपका सोवियत डिजाइन रशियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, और ये हेलीकॉप्टर जो है मोस्टली आपका मीडियम ट्विन टर्बाइन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर यूज किया जाता है, और आर्म्ड गनशिप वर्जन भी इसका यूज किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा 8 दिसंबर 2021 उस समय पर यही MI-17 जो है हमारे CDS यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और थे, जो फर्स्ट CDS थे जनरल विपिन रावत, उनको लेकर जा रहा था। उन्हीं के साथ आपका 13 लोग और थे जो ये क्रैश हो गया, एंड उस क्रैश में ऑल ऑफ देम दे हैव डिपार्टेड फ्रॉम टू द हेवन। ठीक है, इसी के बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं MI-24 या MI-35 की। MI-24 और 35 ये भी आपका सोवियत या रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप है, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि हमारे इंडिया में है, लेकिन ये आपका जो है ट्रूप्स भी कैरी कर सकते हैं, 8 ट्रूप्स आपका इसमें आपका एडजस्ट कर सकते हैं, 8 ट्रूप्स आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेन चीज है कि ये आपका जो है अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर काम करता है। इंडिया में अगर मैं बात करूं आपका तो नंबर 104 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो है, जिसका नाम है आपका पायनियर रोटेरियंस, वो आपका फाइटर स्क्वाड्रन है, और उनको जो है MI-35 के साथ आपका इक्विप किया गया है, और ये सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आपका बेस्ड है। इसका नेक्स्ट हेलीकॉप्टर की बात करें तो HAL ध्रुव, जो कि आपका एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, जो कि आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आपका डेवलप किया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका तो HAL ध्रुव ये लाइट हेलीकॉप्टर है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो डिजाइन और डेवलप किया गया HAL के द्वारा 2002 से हमारे जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के आपका सर्विस में है। इंडियन कोस्ट गार्ड ये आपका फर्स्ट सर्विस में आपका गया, ठीक है, और पहला था इंडियन कोस्ट गार्ड जिन्होंने की ध्रुव ऑपरेट किया। उसके बाद इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और BSF भी आपका HAL ध्रुव को ऑपरेट करते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो इंडियन एयरफोर्स का जो सारंग एरोबैटिक जो आपका टीम है ना, सारंग में आपने देखा होगा आपका हेलीकॉप्टर्स है, वो हेलीकॉप्टर्स जो है उनमें 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का यूज किया गया। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, सारंग जो टीम है, एरोबैटिक टीम है आपका इंडियन एयरफोर्स की, वो आपका कौन से हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं, तो दे यूज 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहां पर HAL रुद्र की। HAL रुद्र अगेन ये भी आपका जो है डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है बाय HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसको जो है ALHWSI भी कहा जाता है।
ठीक है, ये आपका आर्म्ड वर्जन है ध्रुव का, ठीक है, इसमें आपने जो आर्मामेंट्स लगाए हैं, आर्म्ड वर्जन है ध्रुव का। और रुद्र जो है ये आपका 70mm टरेट गन है, 70mm रॉकेट पॉड्स है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ आपका जो है ये आपका उड़ान भर सकता है, और साथ ही साथ इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स भी आपका फिट की जा सकती है। और इस समय पर जो रुद्र हेलीकॉप्टर है इसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों यूज करती हैं। नेक्स्ट वन इज चेतक हेलीकॉप्टर। चेतक हेलीकॉप्टर या फिर इसका ओरिजिनल नाम है अलर्ट 3। अलर्ट 3 एरोस्पेशियल के द्वारा आपका जो है ये कंपनी है जिसने आपका इसको डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया। ये आपका सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, फ्रांस की कंपनी ने आपका जो है इसको आपका बनाया है सुड एविएशन के द्वारा। और ये आपका जो है इस समय पर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो आपका लाइसेंस के तहत आपका इसको बिल्ड करती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे आपके मिशंस इसने आपका जो है मिशंस रोल आपका प्ले कर सकता है, जिसमें ट्रेनिंग भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, कैसे बैक यानी कि जो आपका जो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन है वो, कम्युनिकेशन और आपका लाइजन रोल्स आपका प्ले कर सकता है चेतक हेलीकॉप्टर। चेतक की बात हुई तो चीता के बगैर अधूरी है। चेतक और चीता, चीता भी हमारा जो है आपका हेलीकॉप्टर है, इसका जो जो ओरिजिनल नेम है दैट इज SA-315B लामा। ये भी आपका जो है फ्रेंच कंपनी है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और अब ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है अंडर द लाइसेंस। HAL ने बाद में आपका इसका अपग्रेडेड वेरिएंट आपका बनाया है जिसका नाम है चीतल। तो चीता से ही आपका जो है आपका अपग्रेड हुआ और वो आपका चीतल हेलीकॉप्टर आपका बना। तो चीतल जो है वो अभी आपका जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है, और ये भी आपका अलग अलग रोल्स में आपको इसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे लाइट पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, और एरियल जो आपका जो फायर फाइटिंग है उसके लिए भी आपका इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपाची हेलीकॉप्टर की। अपाची हेलीकॉप्टर या AH-64 बोइंग के द्वारा आपका जो है आपका बनाया गया, जो कि अमेरिकन कंपनी है। ट्विन टर्बोशाफ्ट आपका जो है अटैक हेलीकॉप्टर है, और इसमें टेल व्हील टाइप आपका जो है लैंडिंग गियर भी आपका लगा हुआ है। ठीक है, आप अगर देखें तो जो टेल विंग में आपका जो ये लैंडिंग गियर है ये आपका नॉर्मली नहीं होता है हेलीकॉप्टर्स में, बट इसमें आपका दिया गया है। नोज माउंटेड आपके सेंसर्स हैं जो कि आपका टारगेट्स के लिए आपका बहुत इजी होते हैं, टारगेट्स को एक्वायर करते हैं, एंड साथ ही साथ नाइट विजन भी आपका प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट जो आपका जो अपाची हेलीकॉप्टर्स है वो आपका इंडियन एयरफोर्स के 125 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में इंडक्ट किए गए हैं, आपका पठानकोट एयरबेस पे पंजाब में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं चिनूक की। चिनूक आप यहां पर देख सकते हैं, ये भी बोइंग के द्वारा आपका डेवलप किया गया है हेलीकॉप्टर, और ये भी अमेरिका से आपका जो है प्रोक्योर किया गया है। यहां पर अगर आप देखें तो टेंडम रोटर हेलीकॉप्टर है जो कि आपका जो है बेसिकली आपका जो है ओरिजिनली डेवलप किया गया था अमेरिकन रोटर क्राफ्ट कंपनी वर्टॉल के द्वारा। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, आप अगर देखें तो इसके नीचे आप टैंक्स वगैरह भी उनको भी आप एयरलिफ्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका तो इंडिया में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि आपका चंडीगढ़ और असम में आपका इस समय पर आपका लोकेटेड है। ठीक है, चंडीगढ़ और असम में वहां के ऑपरेशनल नीड्स के लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के। इसी के साथ साथ इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपका 310 किलोमीटर पर आवर आपका हो सकती है चिनूक की। इसके बाद हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये आपका जो है इनिशियली डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था आपका HAL के द्वारा सिविलियन और मिलिट्री जो एप्लीकेशंस हैं। ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स आपके बनाए गए थे इसका मेन पर्पस था आपका चीता और चेतक को रिप्लेस करना, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स आपका जो है वो यूज कर रही है, और विद ग्लास कॉकपिट। अगर आप यहां पर देखें ग्लास कॉकपिट के साथ साथ ये जो आपका अलग अलग मिशंस आपका कर सकता था, जैसे आपका जो है इमरजेंसी है या फिर मेडिकल सर्विसेज है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ट्रूप ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी यानी कि आपका जो है जो ट्रूप्स हैं, जो सेना के जो जवान हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, सर्च एंड रेस्क्यू, साथ ही साथ VVIP जो आपका ड्यूटीज है, VVIP जो आपका जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए, और एरियल रिकॉनिसेंस और सर्विलांस के लिए भी आपका इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं HAL प्रचंड की। ठीक है, प्रचंड जो है वो आपका इंडियन मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स है, आप यहां पर देख सकते हैं इनको,
जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं इनको भी आपका जो है एचएएल द्वारा आपका बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट एलसीएच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एलसीएच प्रचंड, ठीक है। तो एलसीएच का मतलब क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसको कहा भी यही जाता है एलसीएच प्रचंड। एलसीएच का मतलब है लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और साथ ही साथ जो इसकी फ्लाइट सीलिंग है, जितनी ऊंची उड़ान भर सकता है वो आपका हाईएस्ट है अमंग दी ऑल अटैक हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि हल्का है लाइट है तो इसलिए काफी ऊंची उड़ान भर सकता है। और इस समय पर अगर मैं बात करूं आपका नंबर 143 जो हेलीकॉप्टर यूनिट है इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन आर्मी की, 351 आर्मी एविएशन जो आपका स्क्वाड्रन है उनको एचएएल प्रचंड जो है वो आपका दिए गए हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ट्रेनर एयरक्राफ्ट की। तो आपको पता ही है जब आप जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में और ट्रेनिंग लेते हैं टू बिकम फाइटर पायलट्स या फिर आप ट्रांसपोर्ट पायलट्स या फिर आप जो है जो हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं उनके लिए आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके लिए आपका जो है डिफरेंट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास है, जिसमें आपका हॉक 132 है, ठीक है। जो हॉक 132 है मेजरली आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है और ये जेट ट्रेनर है। इसी के साथ साथ एचएएल किरण है ये आपका इंडिया में और आपका जो है जेट ट्रेनर है, ठीक है। आपने जो आपने देखा है ना वी हैव दिस सूर्य किरण टीम, जो सूर्य किरण टीम है वो जेट प्लेन्स आपका जो उड़ाती है उसमें आपका एचएएल किरण को ही आपका यूज किया गया, इसलिए उसका नाम रखा गया सूर्य किरण। तो किरण मतलब वो किरण प्लेन्स ही आपका जो है यूज करती है। इसी के साथ साथ एचएएल एचटीटी 40 है, ये इंडिया में ही आपका डेवलप बेसिक ट्रेनर है। पिलाटस PC-1 स्विट्जरलैंड से लिया गया ट्रेनर है एंड देन पिपिस्ट्रेल वायरस स्लोवेनिया से लिया गया बेसिक ट्रेनर है। ये आपके ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस समय पर इंडिया के पास है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो बोइंग P-8 पोसाइडन जो है आप यहां पर देख सकते हैं, बोइंग P-8 बेसिकली आपका जो है इसको P-8i आई फॉर इंडिया। तो जो बोइंग P-8i है ये आपका यूज किया जाता है हमारे इंडियन नेवी के द्वारा, ये आपका मैरिटाइम पेट्रोल और रिकॉन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। मैरिटाइम पेट्रोल के लिए आपका यूज किया जाता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज किया जा सकता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए, इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए आपका यूज किया जा सकता है। 2014 में अगर हम बात करें आपका तो जो आपका इंडियन नेवी P-8i है उन्होंने आपने आपको याद होगा मलेशिया की एक एयरलाइन फ्लाइट थी 370 उसके ऊपर आपका एक जो है पूरी कंप्लीट वेब सीरीज भी बनी है कि कैसे वो मलेशिया की फ्लाइट जो है वो आपका अपने आप अचानक गायब हुई और शायद फ्लाइट 370 ही उसका नाम है। वो जो आपका मलेशिया की फ्लाइट आपका जो है गायब हुई थी वो आपका जो है उसके लिए जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन थे वो आपका चला गया, रेस्क्यू तो खैर नहीं हो पाया लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो आपका जो है बोइंग P-8i के द्वारा आपका इंडियन नेवी ने आपका कंडक्ट किया। और इंडियन नेवी जो है वो आपका बोइंग P-8i ये जो फाइटर्स है इनको आपका यूज करती है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट वन है जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है हमारे इंडियन नेवी के बोइंग P-8i के अलावा तो डॉर्नियर DO-228 ये आपका जर्मनी से लिया हुआ सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है और ब्रिटेन नॉर्मन BN-2 ये यूके का आपका यूटिलिटी पेट्रोल है। इतने कम टाइम में कैसे याद रखेंगे, डेली आप अगर इसको रिवाइज करोगे, अभी तो आपको जो है अभी हम इसको पढ़ रहे हैं लेकिन डेली आप अगर इसको रिवाइज करोगे और कम से कम आप जो है 15-20 मिनट में आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम तक आपको इसको रिवाइज करना है डेली, ठीक है। PDF में आपको दे दूंगा, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की, तो इंडियन नेवी कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स आपका ऑपरेट करती है आप यहां पर देख सकते हैं। एचएएल ध्रुव है, ठीक है, इंडिया में ही आपका मैन्युफैक्चर्ड है, यूटिलिटी टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर है। उसके बाद कमोव KA-27 है, रशिया से लिया हुआ एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। इसी के साथ साथ कमोव KA-31 ये रशिया से लिया हुआ है और बेटा ये भी हेलीकॉप्टर है लेकिन ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग अवैक की तरह भी आपका काम करता है, उसी की तरह काम करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ वेस्टलैंड सी किंग आपका है, वेस्टलैंड सी किंग अगर मैं बात करूं आपका तो ये हेलीकॉप्टर आपका यूके से लिया है, सर्च एंड रेस्क्यू या यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरह काम कर सकता है। एचएएल चेतक है, ठीक है, फ्रांस से आपका लाइजन और यूटिलिटी आपका हेलीकॉप्टर है। और उसके बाद SH-60 सी हॉक ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के तौर पर आपका जो है इट वर्क्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है विल टॉक अबाउट UAVs यानी कि जो आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उनके बारे में हम बात करेंगे,
ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा एफकैट 1 2024 का आपका एग्जाम हो रहा है, उसके लिए पूरी कंप्लीट सटीक आपके एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। आपका 16 फरवरी 12 बजे, ठीक है, ठीक 12 बजे हम ये आपका एनालिसिस शुरू कर देंगे जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा। अब यूएवीज की बात कर ले, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हमारे जो है आपका दे आर देयर इन दी इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है यहां पर आपका जो है देयर इज नो वन इन द कॉकपिट, इनको आपका जो है ग्राउंड लेवल से आपका जो आपके जो स्टेशंस होता है ग्राउंड सर्विस स्टेशंस वहां से आपको इनको कंट्रोल किया जाता है, रिमोट कंट्रोल्ड आपके होते हैं, इसलिए इनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर IAI हीरोन की। IAI हीरोन या फिर मचाट्स 1 ये आपका माले यूएवी है। माले मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस, ठीक है, आपका लंबे एरिया तक आपका कवर कर सकता है, लंबा डिस्टेंस कवर कर सकता है, लेकिन ऑल्टीट्यूड इसका मीडियम रहता है। और ये आपका मलुट यूएवी डिवीजन है आपका, मलुट का मतलब यूएवी जो इजरायली है, ठीक है, मलुट डिवीजन आपका जो है इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज का, उसके द्वारा आपका डेवलप किया गया है हीरोन ड्रोन। यहां पर अगर मैं बात करूं आपका हीरोन ड्रोन को दोनों ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका तो ये लगभग 52 घंटे आपका जो है आपका फ्लाइट में रह सकता है, अप टू 10.5 किलोमीटर का एरिया जो है उसको कवर कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं IAI आइटन की। IAI का मतलब ही समझ जाइए आप, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, तो ये भी आपका इसराइल से लिया हुआ आपका जो है वी हैव दिस ड्रोन जिसको हीरोन टीपी भी आपका कहा जाता है। ये भी रिकॉन आपका एयरक्राफ्ट है जो कि इसराइल के द्वारा आपका डेवलप किया गया। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो न्यूअर वर्जन है आपका हीरोन का, अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस और सर्विलांस गैदरिंग ये टारगेट एक्विजिशन भी कर सकता है, रिकॉन भी कर सकता है, और साथ ही साथ आर्म रोल्स भी आपका जो है प्ले कर सकता है। इंडियन आर्मी के पास आपका जो है IAI आइटन ये आपका यूएवीज है। इसके बाद सर्चर की बात करें तो ये भी आपका जो है इजरायली ड्रोन है, ठीक है, ये आपका जो है अगर हम देखें तो ये रिकॉन आपका ड्रोन है जो कि आपका इजरायल के द्वारा आपका डेवलप किया गया है। इसकी जो स्पीड है वो आपका 125 माइल्स पर आर है, और साथ ही साथ ये आपका 20,000 फिट की ऊंचाई तक आपका उड़ सकता है 18 घंटे तक। नेक्स्ट वन इज एल्बर्ट हर्मेस 900 या इसको दृष्टि 10 स्टार लाइनर भी आपका कहा जाता है, ठीक है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर या फिर एल्बर्ट हर्मेस 900 ये आपका अगर हम देखें तो इजरायली मीडियम साइज माले यानी कि आपका मल्टी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस यूएवी है जो टैक्टिकल मिशंस के लिए आपका इसको डिजाइन किया गया, ठीक है, इसका जो एंड्यूरेंस है 30 आवर्स का है और ये 30,000 की फिट तक आपका ऊंचाई बढ़ सकता है। इंडियन आर्मी और नेवी दोनों के पास आपका ये ड्रीम लाइनर सॉरी स्टार लाइनर आपका जो है ड्रोन है। नेक्स्ट वन है स्विच यूएवी। स्विच यूएवी या इसको नेत्र यूएवी भी कहा जाता है, ठीक है, शशांक सर की क्लास कब होगी, आज वाली, वो कल होगी, ऑलराइट। तो जो नेत्र यूएवी है ये आपका स्विच के द्वारा आपका डेवलप किया गया है, इंडिजीनियस यानी कि इंडिया में ही आपका डेवलप किया गया। विटॉल, विटॉल क्या होता है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है ना, सीधा ऊपर। नॉर्मली क्या होता है प्लेन्स जो है वो आपका हॉरिजॉन्टली आपका जो है लैंडिंग और टेक ऑफ करते हैं, लेकिन जो स्विच यूएवी है ये आपका विटॉल है, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। हाइब्रिड टैक्टिकल आपका ड्रोन है जो कि आपका इंडिया बेस्ड ये भी मैन्युफैक्चरर जिसका नाम ही स्विच है उसके द्वारा आपका बनाया गया, सॉरी आइडिया फोर्स के द्वारा आपका जो है इसको डेवलप किया गया है, और ये आपका सर्विलांस मिशन आपका कर सकता है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। इसके बाद MQ-9 रीपर की बात करते हैं। MQ-9 रीपर जिसको प्रिडेटर बी भी कहा जाता है, ये आपका जो ड्रोन है ये आपका रिमोट कंट्रोल आपका किया जा सकता है, और इसको जो है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स यूएस के द्वारा आपका डेवलप किया गया है। इस समय पर जो MQ-9 रीपर्स है वो इंडियन नेवी के पास है, इंडियन नेवी ने लीज पर लिए हुए हैं। वी हैव 2 MQ-9 रीपर्स जो इंडियन नेवी के साथ आपका है, और ये आपका जो है सी गार्जियंस के तौर पर आपका कहलाए जाते हैं, लेकिन आगे जो प्लान्स हैं वो MQ-9 रीपर्स को कम से कम 30 MQ-9 रीपर्स को प्रोक्योर करने के प्लान है, जिनमें हर एक आर्म फोर्सेस को इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स
तीनों को आपका 10-10 MQ-9 Reaper drones दिए जाएंगे और ये armed drones है, आप देख सकते हैं मिसाइल सिस्टम आपका जो इनके साथ लगाया जा सकता है MQ-9 के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे DRDO की, तो DRDO के द्वारा आपका डेवलप किया गया लक्ष्य, ये भी आपका जो है ड्रोन है या फिर हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है जो कि आपका डेवलप किया गया। इसका जो वेरिएंट है लक्ष्य 1, ये आपका एरियल रिकॉन कर सकता है यानी कि बाहर जाकर दुश्मनों का पता लगा सकता है और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टारगेट्स का जो पूरी लाइव फीड है वो आपका दे सकता है हमारे इंडिया में। इसी के साथ साथ इस ड्रोन को आपका ग्राउंड से या फिर शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है विद जीरो लेंथ लॉन्चर और इसका जो रिकवरी है वो इसके पीछे आपका पैराशूट सिस्टम है तो पैराशूट सिस्टम के साथ आपका जो है इसको रिकवर किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही आपका DRDO लक्ष्य को ऑपरेट करते हैं। जय हिंद वीरेंद्र। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो आपके इक्विपमेंट्स है उनकी। अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे आपका इंडियन नेवी के आपका वेरियस इक्विपमेंट्स की, कौन कौन से इंडियन नेवी के पास आपका शिप्स और बाकी सब चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं आपका INS विक्रांत की, क्योंकि जब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो विदाउट एयरक्राफ्ट कैरियर बात खत्म ही नहीं हो सकती है ना। तो अगर हम बात करें आपका तो INS विक्रांत जो है ये आपका इंडियन एयरक्राफ्ट है जो कि अभी फिलहाल हमारे जो इंडियन नेवी के सर्विस में है। इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा आपका जो है बनाया गया कोची में और ये इंडिया का फोर्थ कैरियर है और पहला ऐसा कैरियर है जिसको कि इंडिया में आपका बिल्ड किया गया। इसका जो मोटो है इंडियन INS विक्रांत का वो है जयम सम युद्धि स्पर्धा यानी कि आई डिफीट दोज हु डेयर टू चैलेंज मी। विक्रांत जो है इसका एयर ग्रुप जो है, अगर हम बात करें एयर ग्रुप में तो इसके एयर ग्रुप में क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इसमें आपका डिफरेंट एयरक्राफ्ट जो है वो आपका डिप्लॉय किए जा सकते हैं, 26 राफेल एम फाइटर्स या फिर 4 कमोव K-31, 2 HL ध्रुव और या फिर 4 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स वो इसके एयर ग्रुप में आपका शामिल हो सकते हैं। इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं INS विक्रांत की ही, INS विक्रांत जो अभी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम जो है 1961 में हमारा जो कैरियर था उसी के नाम पर रखा गया। ये जो सबसे पहले हमारे पास जो INS विक्रांत था 1961 में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था आपका जो है इंडियन नेवी का और ये मैजेस्टिक क्लास में था। ये एक्चुअली में HMS हरक्यूलिस था। ठीक है, एक्चुअली में ब्रिटेन ने आपका इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जब आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटेन ने इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया। बाद में अनफिनिश्ड तौर पर ही इसको HMS हरक्यूलिस को आपका जो है इसको इंडिया में लाया गया और उसके बाद इसको जो है आपका बिल्ड किया गया 1961 में आपका बिल्ड हो गया था और बहुत इंपॉर्टेंट था इसका रोल 1971 के आपका एम्बार्गो में, जब आपको पता है कि उधर से आपका जो है चाइना आ रहा था। ठीक है, हमारी तरफ चाइना को रोका आपका जो है यूएस और चाइना थे तो उसको जो एम्बार्गो था उसमें रशिया के साथ मिलकर INS विक्रांत ने आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन 1971। बाद में इसको स्क्रैप कर दिया गया। ठीक है, ये आपका स्क्रैप्ड हो गया और इसके बाद अभी फिलहाल जो है वी हैव INS विक्रांत इसी नाम पर आपका जो है नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिया में आपका बिल्ड किया गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका INS विक्रमादित्य की। अभी कितने कैरियर हैं एक्टिव, तो एक्टिव वी हैव ओनली 2 कैरियर्स। ठीक है, 2 कैरियर्स हैं INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य ये ये कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि आपका 2013 से सर्विस में है। ये आपका जो है बाकू के तौर पर इसको बिल्ड किया गया और 1987 में इसको कमीशन किया गया और फिर उसके बाद ये आपका सोवियत नेवी में रहा, उसके बाद रशियन नेवी में इसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो है इंडिया ने इसको एक्वायर किया 2013 में, आपका जो है इसको सर्विस में लिया। इसका जो मोटो है स्ट्राइक फॉर स्ट्राइक श्योर और इसमें आपका मैक्सिमम 36 आपके जो है जो आपका एयरक्राफ्ट है वो आपका स्टेशन किए जा सकते हैं, 26 MiG-29 के, 10 कमोव K-28 एंड K-31 हेलीकॉप्टर्स वो आपका इस पे आपका स्टेशन किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 अभी एक्टिव है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, लेकिन एक तीसरा भी हम अभी बना रहे हैं। तीसरे की बात करें तो INS विशाल, ये आपका जो है IAC-3 कहा जाएगा, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 3। ये प्लान्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि आपका अगेन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आपका बनाया जाएगा INS विशाल, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है, ये अभी डेवलपमेंट में है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज INS अरिहंत। अब आगे चलते हैं, सबमरीन की बात करते हैं। ठीक है, तो INS अरिहंत जो है वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है या फिर SSBN है। SSBN वो मिसाइल्स सबमरीन होती है जो कि आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो INS अरिहंत है ये लीड शिप है अरिहंत क्लास की, न्यूक्लियर पावर्ड आपका सबमरीन मिसाइल्स है ये। सबमरीन आपका जो है वी हैव दिस सबमरीन है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो INS अरिहंत आपका 12K15 आपका कैरी कर सकती है। अभी फिलहाल वी हैव 12K15 सागरिका जिनको कहा जाता है, लेकिन अभी हम आपका K4 मिसाइल्स आपका डेवलप कर रहे हैं। दीज आर अंडर डेवलपमेंट, है ना। तो जब डेवलप हो जाएंगी ये, तो 4 जो आपका मिसाइल्स है वो K4 भी आपका कैरी कर सकती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो ATV प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया। ध्यान रखिएगा बेटा, ATV प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं आपका इंडियन नेवी के, तो ATV या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था आपका शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। और यहां पर आपका जो है जो लाइट वाटर रिएक्टर है वो यूज किया गया इसमें आपका 83 मेगावाट का। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, तो INS अरिघात है। INS अरिघात जो है वो आपका बेसिकली अरिहंत क्लास का ही आपका अपग्रेडेड वर्जन है। जो हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगी उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो आपका INS अरिघात कहलाएगा। ये जो INS अरिघात है ये आपका सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी। ये अभी बनाई जा रही है, अभी बनी नहीं है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसको बनाया जाएगा आपका ये सबमरीन जो है, इसको INS अरिंदम कहा जाता था लेकिन बाद में इसका नाम INS अरिघात हो गया जब इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन है, जितने भी आपका कन्वेंशनली पावर्ड यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है, ठीक है, कन्वेंशनली पावर्ड मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इनमें आपका डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस है। जैसे कलवरी क्लास है, ये जो कलवरी क्लास है ये हमने कहां से ली है, आपका फ्रांस से, फ्रांस के हेल्प से आपका जो है इनको डेवलप किया गया। और ये स्कॉर्पियन क्लास का वेरिएंट है, इसमें हमारे पास है INS कलवरी, INS कांडेरी, INS खरंज, INS वेला और INS वगीर। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो नेक्स्ट सिंधु घोष क्लास, ये आपका अटैक सबमरीन है सोवियत यूनियन और या फिर आप कह सकते हैं रशियन सबमरीन पर बेस्ड है। ये आपका किलो क्लास वेरिएंट है, प्रोजेक्ट 877 के तहत आपका जो है इनको डेवलप किया गया है। अगर आप यहां पर देखें तो इसमें आपका सिंधु घोष में सिंधु घोष है, सिंधु राज है, सिंधु रत्न है, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय और सिंधु राष्ट्र, ये आपका जो सबमरीन है ये कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन में आपका आती है सिंधु घोष क्लास में। इसके बाद शिशु कुमार क्लास की बात करें तो ये भी आपका अटैक सबमरीन है वेस्ट जर्मनी के हेल्प से, वेस्ट जर्मनी के आपका जो सबमरीन है उनके मॉडल्स पर आपका डेवलप की गई है। 209 क्लास वेरिएंट है और इसमें आपका जो है INS शिशु कुमार, शंकुश है, शल्की और शांकुल, ये आपका जो सबमरीन है ये आपका कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन में आपका इंक्लूडेड है। इसके बाद डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर आपके वो शिप्स होते हैं जिनके अंदर आपका जो है कंप्लीट आपका जो है गन सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम्स भी आपका हो सकता है और ये बेसिकली आपका जो है डिस्ट्रॉयर के तौर पर ही काम करते हैं, जैसा नाम वैसा ही काम, है ना। तो ये आपका डिस्ट्रॉयर शिप्स है जो आपका नेवल वॉरफेयर में आपका यूज होते हैं। और साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें विशाखापट्टनम आपका जो क्लास है जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसमें आपका मिसाइल्स भी है, मिसाइल्स के थ्रू आपका जो है यहाँ पर गाइडेड मिसाइल्स आपका लगाई गई है। इसमें आपका विशाखापट्टनम क्लास में INS विशाखापट्टनम है, INS मर्मगांव और INS इम्फाल, ये तीनों आपका विशाखापट्टनम क्लास में आती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं डिस्ट्रॉयर में, तो कोलकाता क्लास में INS कोलकाता, कोची और INS चेन्नई, ये आपका कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। फिर दिल्ली क्लास में हम देखें तो INS दिल्ली है, मैसूर और INS मुंबई। इसी के साथ साथ राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर में अगर हम देखें तो ये आपका जो है सोवियत यूनियन में इनको बनाया गया था इंडियन डिजाइन मॉडिफिकेशंस के साथ काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर के तौर पर, और इसमें आपका जो है राजपूत क्लास में INS राणा, INS रणवीर और INS रणविजय शामिल है।
नेक्स्ट हम फ्रिगेट्स की बात करें तो फ्रिगेट्स का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड आपका काफी ज्यादा होती है। और यहां पर कौन कौन से फ्रिगेट्स हम यूज करते हैं, तो आईएनएस शिवालिक है, आईएनएस सतपुड़ा और सह्याद्री, ये शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है। फिर आपका तलवार क्लास में आईएनएस तलवार, त्रिशूल, ताबर, तेग, तरकश और त्रिकंड आपका आते हैं। रशिया ओरिजिन, रशियन ओरिजिन आपका जो ये तलवार क्लास है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो गोदावरी क्लास को एनहांस करके ब्रह्मपुत्रा क्लास आपका बनाई गई, और इसमें आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, आईएनएस बेटवा और आईएनएस व्यास ये आपका शामिल है। इसी के साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं जो कॉर्वेट्स हैं, ठीक है, कॉर्वेट भी आप यहां पर देख सकते हैं। एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स में कमोर्ता क्लास में आईएनएस कमोर्ता, आईएनएस कदमर, आईएनएस किल्टन और आईएनएस कवरत्ती ये आपका जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किए गए हैं। वहीं पर गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स में अगर आप देखें तो आईएनएस कोरा, आईएनएस कर्च, आईएनएस कुलिश और आईएनएस कार्मुक आपका इसमें शामिल है। वहीं पर कॉर्वेट्स की अगर मैं बात करूं तो खुकरी क्लास कॉर्वेट जो है ये आप यहां पर देखें तो कुथर और आपका खंजर आपका इसमें शामिल है। वीर क्लास में आपका विभूति, आईएनएस विपुल, आईएनएस विनाश, विद्युत, नशक और प्रलय और आईएनएस प्रबल ये कॉर्वेट्स जो है वो आपका इंडिया में है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। इंडिया में आपका जो मिसाइल्स तो है, मिसाइल्स के साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमारे यहां पर शामिल है। जो भी बाहर से आपका मिसाइल्स आती है तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए इंडिया में आपका जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आपके जो है वो डेवलप किए गए। हाल ही में आपने देखा होगा इसराइल और गाजा के बीच में आपका जब युद्ध हुआ था तो आयरन डोम नाम का जो है डिफेंस सिस्टम आपका जो है वो आपका बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा आयरन डोम का। ये आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि आपका इसराइल यूज करता है। अब इसमें ठीक इसी तरीके से आपका जो है क्या होता है, इसी तरीके से आपका इंडिया में भी आपके डेवलप किए गए। इसमें क्या होता है, एक रडार होता है जो कि डिटेक्ट करता है किसी भी रॉकेट को। जैसे ही वो आपका आता है स्पेस में आता है, वो रॉकेट डिटेक्ट होता है, उसके बाद वो कंट्रोल सिस्टम को बताता है कि भाई आपका जो वो रॉकेट है या जो मिसाइल है वो कहां पर होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। एंड देन लॉन्चर मिसाइल जो है वो आपका इंटरसेप्ट करने के लिए यहां से जाती है और जो रॉकेट है मिसाइल है उसको ऊपर ही मार गिराती है। यही आपका कंसेप्ट है आपका डिफेंस सिस्टम का। इंडिया में अगर मैं बात करूं आपका प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, या फिर इसको पैड भी कहा जाता है, और पैड यानी प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर या पृथ्वी एयर डिफेंस, ये आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया में आपका जो है डेवलप किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए आउटसाइड एटमॉस्फेयर। और ये आपका जो है मैक्सिमम इंटरसेप्शन आपका 80 किलोमीटर तक आपका देता है। प्रद्युम्न के बाद हम बात करते हैं अश्विन की, अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर या फिर इसका दूसरा नाम है AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस। ये भी आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को आपका जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है कहां तक, 40 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक। और ये आपका सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल के ऊपर आपका जो है बनाया गया है, जिसको कि आप जो है कैनिस्टर्ड एरिया में आप रख सकते हैं। जेट वेन्स सिलिकोनाइज्ड कार्बन जेट वेन्स आपका जो है उसमें यूज किए गए हैं। इसी के साथ साथ पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV, ठीक है, ये आपका पैड से अलग है, ध्यान रखिएगा। PDV या पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ये आपका जो है DRDO इसको डेवलप कर रहा है। अभी आपका डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप कर रहा है न्यू पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल जिसका कोड नेम है PDV, और ये टू स्टेज मिसाइल्स होंगी। ये आपका एग्जिस्टिंग जो पैड है उसको आपका जो है आपका क्या करेगी, उसको आपका रिप्लेस करेगी, और ये आपका 150 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक इंटरसेप्ट कर पाएगी आपका जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका PDV Mark 2, ये आपका 30 मीटर टॉल थ्री स्टेज मिसाइल आपका रहेगी। ये आपका एंटी सैटेलाइट वेपन के तौर पर भी आपका काम कर सकती है, ठीक है। हमने 2019 में ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट आपका किया था, जो कि आपका सक्सेसफुल भी था। ये जो आपका PDV Mark 2 है, ये ना सिर्फ आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स बल्कि सैटेलाइट्स को भी आपका मार सकती है। और अगर मैं बात करूं आपका तो ये 1200 किलोमीटर तक आपका जो है शूट कर सकती है, 1200 किलोमीटर तक आपका जो है हाइट पर जाकर आपका जो है मिसाइल्स को मार सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो ये जो जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं इनके लिए हम यूज करते हैं रडार। जो रडार यूज किया जाता है
वो स्वॉर्ड फिश है। ये स्वॉर्ड फिश टारगेट एक्विजिशन एंड फायर कंट्रोल रडार है जो बीएमडी या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। इसको LRTR भी कहा जाता है, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार। इसकी जो रेंज है वो आपका 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक है और ये क्रिकेट बॉल जितने स्मॉल आपका जो है ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकती है। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है सुपर स्पॉट फिश या वेरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, उसको आपका डेवलप किया जा रहा है जिसकी रेंज है वो आपका 1500 किलोमीटर होगी। अपग्रेडेड रेंज के साथ आपका सुपर स्पॉट फिश वो आपका आ जाएगा। इसी के साथ साथ S400 ट्रायंफ की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली इसका जो नाम है वो आपका जो है सुदर्शन रख दिया गया है। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। S400 ट्रायंफ या फिर आपका जो इसका नाटो नेम है वो है S21 ग्राउलर। ये आपका मोबाइल सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल या फिर सैम मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया के द्वारा आपका डेवलप किया गया था। इसकी जो दो स्क्वाड्रंस है आपका जो हमारे इंडिया में आपका जो है लोकेट की गई है, उनको डिप्लॉय किया गया है, एक पंजाब सेक्टर में पाकिस्तान को के लिए और दूसरा आपका जो है चाइना के बॉर्डर पर नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। दो आपका जो स्क्वाड्रन इसकी अभी फिलहाल डिप्लॉयड है और आगे भी आपका जो है S400 सिस्टम ये आपका लिए जा रहे हैं रशिया से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेविड स्लिंग की। एक रिपोर्ट थी अभी कि ये जो डेविड स्लिंग है ये आपका इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ऑफर पे दिया गया, मतलब ऑफर किया गया कि आप जो है डेविड स्लिंग आप परचेज कर सकते हैं। डेविड स्लिंग को आपका मैजिक वैंड भी कहा जाता था। मिलिट्री सिस्टम है जो कि आपका इजरायली डिफेंस फोर्सेस और साथ ही साथ आपका जो है अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा आपका बनाया गया। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और आपका जो रेथियन है इन दोनों ने आपका मिलकर इसको डिजाइन किया गया है और ये आपका जो है नासव मिसाइल्स बल्कि इंटरसेप्ट कर सकता है एनिमी प्लेन्स को, ड्रोन्स को, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, मीडियम से लॉन्ग रेंज रॉकेट्स क्रूज मिसाइल्स को और आपका जो है 40 से 300 किलोमीटर तक का आपका जो है इसका रेंज है। ठीक है, डेविड स्लिंग ध्यान रखिएगा, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर आपका इसको डेवलप किया है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की कि आगे फ्यूचर क्या आने वाला है ना। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं आपका इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स आपका अप टू 2035 ये प्लान्स है इंडियन फोर्स के कि आपका जो है 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आपका होनी चाहिए और 450 फाइटर जेट्स आपका जो है वो इंडियन एयरफोर्स में हो अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। इसी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोजल आपका भेजा है अपने आप को रिनेम करने के लिए एज इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स IASF। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका तो आगे जो प्लान्स है DRDO घातक, ये आपका जो है ऑटोनॉमस रिसर्च अनमैंड रिसर्च एयरक्राफ्ट ऑरा जो है इसको आपका कहा गया घातक को, और ये ऑटोनॉमस जेट है जो कि आपका स्टेल्दी अनमैंड कॉम्बैट एयर व्हीकल के तौर पर आपका डेवलप किया जा रहा है बाद DRDO। ठीक है, घातक जो UCAV है इसमें आपका इंटरनल वेपन्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये मिसाइल्स कैरी कर सकता है, बॉम्ब्स कैरी कर सकता है और प्रिसीजन गाइडेड जो बॉम्ब्स है म्यूनिशंस है उनको आपका कैरी कर सकता है और ये आपका फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर आपका डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ टर्बोफैन आपका इसमें इंजन लगाया जाएगा जो कि आपका कावेरी इंजन का ही आपका एक वेरिएंट होगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं HAL कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की या फिर कैट्स इसको कहा जाता है। जो HAL कैट्स है ये भी आपका इंडियन मैंड और अनमैंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, एक पूरी टीमिंग सिस्टम होगी जो कि DRDO डेवलप कर रहा है। इस सिस्टम में एक मैंड एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है, एक आपका फाइटर होगा, फाइटर जेट होगा, फाइटर जेट जो है वो एक मदरशिप की तरह काम करेगा और इसके साथ छोटे छोटे आपके जो UAVs हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ आपका जो है फाइट करेंगे ताकि वो इसको प्रोटेक्शन दे, है ना, तो वो आपका कैट्स आपका कहलाता है। और इसमें ही अगर मैं बात करूं आपका इसी कैट सिस्टम में जो कैट्स वॉरियर है ये इसका एक हिस्सा होगा। ठीक है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है या टीमिंग सिस्टम है कैट्स वॉरियर जो है ऑटोनॉमस विंगमैन ड्रोन कैपेबल होगा जो कि आपका टेक ऑफ ले सकता है, लैंड कर सकता है, लैंड और सी से आपका एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं AMCA की, AMCA इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भी HAL का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इंडियन प्रोग्राम है जिसमें हम फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए। इसमें सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज होंगी
और ये सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, जो इसका डिजाइन है वो ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि ये रडार के पकड़ में आपका जल्दी से ना आ सके। ऐसे अगर मैं बात करूं टेड बीएफ की, ठीक है, एचएल टेड बीएफ या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ठीक है, टेड बीएफ ये आपका ट्विन इंजन होगा, इसमें दो इंजन होंगे, कैरियर बेस्ड होगा, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, ये आपका डेवलपमेंट में है फॉर इंडियन नेवी, और साथ ही साथ ये मल्टीट्यूड और मिशंस को आपका कैरी कर सकता है, जिसमें एयर सुप्रीमेसी, एयर इंटरडिक्शन, एंटी एक्सेस, एरिया डिनाइल, एंटी शिप वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन आपके शामिल है, और साथ ही साथ ये माना जा रहा है जो टेड बीएफ है ये MiG-29 को आपका रिप्लेस करेगा INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर। इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की, MRH, जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, ये अभी डेवलपमेंट में है और HAL द्वारा ये आपका डेवलप किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए, एयर असॉल्ट के लिए, एयर अटैक के लिए, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, VIP ट्रांसपोर्ट रोल्स के लिए। तो इसलिए नाम है इसका मल्टी रोल, तो अलग अलग रोल्स में इसको हम जो है यूज कर पाएंगे, और ये आपका जो है जो करंटली जो MI-17 है, MI-8 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको आपका रिप्लेस करेगा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इसी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में आपका एक ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन है जितने भी आपके फॉरेन जो हमारे जो प्लेन्स होते हैं उनको एक निकनेम दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे आपके एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको कि आपका डिफरेंट निकनेम्स दिए गए, कौन कौन से, जैसे अगर मैं बात करूं फ्रेंच MD-450 ओरिजिन, ये आपका डेसॉल्ट के द्वारा ही आपका बनाया गया था, ठीक है, अभी आपका सर्विस में नहीं है लेकिन इसको तूफानीज कहा जाता था, फ्रेंच एलॉयट 3LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका नाम है चेतक, एरोस्पेशियल SA-315B ये भी फ्रेंच हेलीकॉप्टर है, चेतर, चीता, और फिर जो HAL-LUH है जो लाइट हेलीकॉप्टर है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका नाम है आपका चीतल, साथ ही साथ ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जो है उसका नाम है ध्रुव, देन HF-24 इसका नाम था मारुत, ये आपका HAL के द्वारा ही आपका बनाया गया था, पहला आपका जो है फाइटर हेलीकॉप्टर था, सॉरी फाइटर जेट था जो HAL के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके बाद ब्रिटिश पोलैंड नैट लाइट अटैक फाइटर, इनका नाम था अजीत, LCA आप सभी जानते हैं इसको, हम तेजस के नाम पे जानते हैं, MiG-21M ये त्रिशूल है, और MiG-21 BIS या बाइसन ये आपका विक्रम के नाम पर जाने जाते हैं, फिर देन MiG-23 BN स्ट्राइक फाइटर ये विजय के नाम से, और MiG-23 MF एयर डिफेंस वॉरियंट जो है वो आपका रक्षक कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ MiG-25 रिकॉन प्लेटफॉर्म गरुड़ है, जैगवार को हम जो है आपका शमशेर कहते हैं, MiG-29 को आपका बाज, मिराज 2000 HS वज्र कहे जाते हैं, और IL-76 गजराज, AN-32 सतलुज, MI-8 हेलीकॉप्टर राणा, MI-17 प्रताप और MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर को अकबर बोला जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो जो अभी हम आगे जो प्रोजेक्ट्स आपका कर रहे हैं फॉर दी इंडियन नेवी, उसमें आपका जो है सबसे पहले S-5 क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट है, ये कोड नेम है जो हम इंडियन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन हैं उनको डेवलप कर रहे हैं नेवी के लिए। S-5 जो है ये आपका जो अभी अरिहंत क्लास है, अरिहंत क्लास से आपका इसका वेट जो है दो गुना होगा, ठीक है, दो गुना वेट होगा आपका S-5 क्लास सबमरीन का, और इसी वजह से आपका जो है ज्यादा नीचे तक आपका जा सकते हैं क्योंकि वेट ज्यादा होगा, इनकी जो है आपका स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी भी आपका ज्यादा होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि ये आपका जो है प्रोडक्शन में एंटर हो जाएंगे 2027 में। इसी के अलावा प्रोजेक्ट 75 अल्फा ये इंडियन नेवी का आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है उनको डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली आपका जो है 6 सबमरीन जो है उनका आपका जो है कंस्ट्रक्शन अप्रूव किया गया था, और इनिशियल प्लान था कि आपका 4 अरिहंत क्लास सबमरीन आपका बनाई जाएंगी, और साथ ही साथ बाद में हम जो है आपका S-5 क्लास सबमरीन आपका बनाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है ये आपका न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड है। साथ ही अगर आप यहां पर देखें प्रोजेक्ट 75 I, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रोजेक्ट, या P-75 I भी इसको कहा जाता है, 75 I, ये आपका ये भी सबमरीन से ही रिलेटेड है, लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यानी कि जो कन्वेंशनल पावर्ड आपका सबमरीन है उनसे आपका रिलेटेड आपका जो है ये प्रोजेक्ट है, और 1997 में आपका कंसीव किया गया था,
ताकि हम जो है 6 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन जो है उनको हम यूज कर सके, उनको प्लान कर सके, बिल्ड कर सके, जो सिंधु घोष क्लास है उसको आपका रिप्लेस कर सके। नेक्स्ट अगर बात करें आपका प्रोजेक्ट P-15B, प्रोजेक्ट P-15B ये विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के लिए आपका जो ये बनाया गया, ठीक है, बी फॉर ब्रावो, या फिर सिंपली प्रोजेक्ट P-15B ये आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है विशाखापट्टनम क्लास के, जो कि इंडियन नेवी के लिए आपका बनाए जा रहे हैं। इस शिप में आपका INS विशाखापट्टनम है, मर्मगांव है, INS इम्फाल है और INS सूरत है, ठीक है। जो INS इम्फाल है अभी रिसेंटली कमीशन की गई थी आपका जो है 26 दिसंबर 2023 को, और जो INS सूरत है ये आपका अभी कमीशन नहीं की गई है, ये आपका ऑलरेडी इन सर्विस है। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको या याद आपको रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट P-17A, कमा घनी जय श्री कृष्णा, P-17A की बात करें तो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के लिए आपका प्रोजेक्ट जो है आपका बनाया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट P-17A फॉर अल्फा, ये आपका स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है जिनको आपका बनाया जा रहा है, और ये आपका जो है इसमें जो शिप्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, INS नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और आपका विंध्यागिरी, ये सारी शिप्स आपका जो है प्रोजेक्ट P-17A में आपका बनाई जा रही है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस समय पर आपको पता नहीं होगा लेकिन लगभग 67 शिप्स आपका इंडियन नेवी की कंस्ट्रक्ट की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट 11356 ये आपका जो है तलवार क्लास फ्रिगेट्स के लिए है, या फिर आप कह सकते हैं स्टेल्थ गाइडेड जो मिसाइल फ्रिगेट्स है, इनका डिजाइन और जो आपका जो डेवलपमेंट है वो रशिया के द्वारा आपका इंडियन नेवी के लिए किया गया। इसमें अगर हम बात करें आपका तो ऑलरेडी INS तलवार के साथ साथ त्रिशूल, तबर और तेग, साथ ही साथ INS तरकश, INS त्रिकंड, ये ऑलरेडी हमारी सर्विस में है, ये आपका ऑलरेडी कमीशन्ड हो चुकी है। आगे जाके जो आपका जो शिप्स जो कमीशन की जानी है उनमें है तुशील, INS तमाला, INS त्रिपुट, और जो चौथी है उसका अभी कोई नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे जो है जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे साथ। अब बात करते हैं यहां पर मिलिट्री अकेडमीज की, जो कि आपका इंडिया में है, ठीक है। मिलिट्री अकेडमीज की बात करें, सबसे पहले राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री अकेडमी या कॉलेज, सॉरी नॉट अकेडमी, RIMC, ये आपका देहरादून में है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये आपका गुरुग्राम में, NDC या नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, DSSC या फिर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलिट, ये आपका पुणे में है, NDA या नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला पुणे, आर्मी वॉर कॉलेज ये मऊ में, साथ ही साथ इन्फेंट्री स्कूल भी मऊ में है, IMA आपका देहरादून, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी आपका चेन्नई में है। साथ ही HAWS या हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल हॉस, ये आपका गुलमर्ग में है, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में है, AADC या आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे, MCTE या फिर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये मऊ में है, और CIJW काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर ये आपका वरिंगटे मिजोरम में है, AC सेंटर एंड कॉलेज बैंगलोर, AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ, कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट ये आपका जबलपुर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, साथ ही साथ रिमाउंट वेटनरी कोर सेंटर एंड स्कूल मेरठ में, AEC ट्रेनिंग सेंटर ये आपका पचमढ़ी, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल बैंगलोर में है, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे, आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल नेशनल इंटीग्रेशन पुणे में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ जहां पर आपका जैक डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है कामटी, फिर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, आर्मी कैडेट कॉलेज ACC आपका जो है देहरादून, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कैट्स नासिक, और जो इंडियन नेवल अकेडमी है वो आपका अजीमाला में है। साथ ही अगर आप यहां पर देखें तो नेवी से जुड़े हुए नेवल वॉर कॉलेज गोवा, INS द्रोणाचार्य जो कि गनरी स्कूल है, जो आपका गन्स होती है ऑन द नेवल शिप उसकी ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है, ये कोची में है, INS गरुड़ा ये एविएशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ये भी कोची में है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई, INS मंडोवी
प्रोवोस्ट और फिजिकल ट्रेनिंग आपका यहाँ पर दी जाती है, गोवा में है, साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी भी। फिर INS शिवाजी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लोनावला में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए INS बलसूरा है जो कि जामनगर में है, INS सतवाहना ये सबमरीन ट्रेनिंग दी जाती है विशाखापट्टनम, एंड INS राजाजी हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के लिए रानीपेट, INS राजाजी ये आपका रानीपेट तमिलनाडु में है। इसी के साथ साथ एयरफोर्स अकेडमी जो है वो आपका डुंडीगुल में है, और अगर हम यहाँ पर बात करें एयरफोर्स से रिलेटेड आपके जो डिफरेंट अकेडमीज है, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर ये आपका सिकंदराबाद में है, टैक्टिक्स एयर, टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ये आपका जो है ग्वालियर, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल तंबरम चेन्नई, पायलट ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट इलाहाबाद में, फिर एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये आपका कोयम्बटूर, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM ये आपका बैंगलोर में, एयरफोर्स ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज जालाहल्ली बैंगलोर के पास है, पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये आपका आगरा, इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल बैंगलोर में, और टेट्रा यानी टेक्निकल टाइप ट्रेनिंग स्कूल्स ये आपका पुणे चंडीगढ़ और डुंडीगुल में है, एंड एयर डिफेंस कॉलेज ये आपका ममोरा ये आपका लखनऊ के पास है, वहां पर लोकेटेड है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री अकेडमीज है आपका इंडिया में जो आपका इंडियन आर्मी नेवी या एयरफोर्स से आपका संबंधित है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका मिलिट्री मेडल्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स की। जो आपका गैलेंट्री मेडल्स है इसमें आपका जो है दो अलग अलग टाइप के मेडल्स हैं, एक वॉर टाइम और एक पीस टाइम। वॉर टाइम पर जो हाईएस्ट मेडल है वो आपका जो सबसे ऊपर है दैट इज परमवीर चक्र, उसके बाद फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र का नाम आता है, और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर जो ध्यान रखनी है दैट इज जो परमवीर चक्र पाने वाले पहले रेसिपियंट थे उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। साथ ही अगर मैं बात करूं आपका जो परमवीर चक्र है ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस या फिर यूएस के जो मेडल ऑफ ऑनर है उसके इक्विवेलेंट है। जो परमवीर चक्र है आज तक 21 दिए जा चुके हैं, और इनमें से आपका जो है सिर्फ एयरफोर्स में आपका सिर्फ एक ही आपका परमवीर चक्र आपका दिया गया, दैट वाज फॉर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों, जो आपका अकेले इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है जिनको आपका परमवीर चक्र दिया गया। इसी के साथ साथ अब तक किसी को भी आपका जो है दो बार परमवीर चक्र जो है वो आपका नहीं दिया गया, लेकिन महावीर चक्र जो है वो आपका दो बार दिए गए हैं, ठीक है। और जब वो आपका दो बार दिए जाते हैं तो उसको आपका कहा जाता है बार टू महावीर चक्र, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका ऐसा पहला बार जो आपका जो है दिया गया दैट वॉज इन 1965 और ये विंग कमांडर जगमोहन नाथ को आपका दिया गया था, ठीक है। दो बार उनको जो है फर्स्ट ऐसे आपका जो व्यक्ति थे जिनको दो बार महावीर चक्र दिया गया, विंग कमांडर जगमोहन नाथ। इसी के साथ साथ जो पहले रेसिपिएंट थे महावीर चक्र के उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दीवानजीत राय, और अब तक अगर मैं बात करूं आपका तो सिर्फ दो बार ऐसा है कि आपका जो है जो सिविलियंस है यानी कि आपका जो फौज में या फिर किसी भी आपका जो है आर्म फोर्सेस के साथ आपका संबंधित नहीं थे उनको महावीर चक्र दिया गया 1947 में, रामचंद्र को और मोहम्मद इस्माइल को। एयर कमांडर मेहर सिंह जिनको मेहर बाबा भी हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि आपका जो है महावीर चक्र दिया गया, और कैप्टन मोहन नारायण राव सवंत ये आपका फर्स्ट थे इंडियन नेवी से जिनको महावीर चक्र दिया गया। साथ ही अगर मैं बात करूं आपका अशोक चक्र, अब हम बात करते हैं आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए जाते हैं। अशोक चक्र आपका हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, और हवलदार बचत्तर सिंह और नायक नर बहादुर थापा इनको आपका जो है पहली बार आपका अशोक चक्र दिया गया था। नीरजा भनोट पहली ऐसी आपका लेडी है और साथ ही सिविलियन रिसिपियंट है जिनको कि आपका फीमेल सिविलियन जिनको आपका अशोक चक्र दिया गया। कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव ये आपका सीआरपीएफ से थी, पहली फीमेल थी जिनको कि जो आपका पैरामिलिट्री फोर्स से थी जिनको आपका जो है अशोक चक्र दिया गया। और प्रीति सिंह ये आपका शी वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ कीर्ति चक्र जो कि आपका आर्मर्ड कोर से थी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल्स की,
तो ये जो डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल्स हैं सेवा के लिए दिए जाते हैं, और अगर बात करें आपका तो इसमें वॉर टाइम में सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल आते हैं। वहीं पर अगर हम देखें आपका पीस टाइम में आपका परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए और गैलेंट्री के लिए आपका हर एक ब्रांच में, चाहे इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वहां पर सेना मेडल आर्मी के लिए, वायुसेना मेडल आपका जो है एयरफोर्स के लिए, और नौसेना मेडल आपका नेवी के लिए आपका दिए जाते हैं। यहां पर अगेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है, जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है, ये वॉर टाइम के लिए आपका डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। ये सिर्फ अब तक 3 बार ही आपका दिया गया है, और किस किस को दिया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह कालकट को आपका दिया गया ऑपरेशन पवन के दौरान, साथ ही साथ ऑपरेशन पवन जो इंडियन पीस गिविंग कोर्सेज आपने जो है श्रीलंका में आपका जो है इन्वॉल्व थी, फिर एयर मार्शल विनोद पटने कारगिल वॉर में, और लेफ्टिनेंट जनरल हरि मोहन खन्ना इनको भी कारगिल वॉर में दिया गया। और एक और चीज, 2019 में मिंटी अग्रवाल, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिनको कि आपका युद्ध सेवा मेडल आपका दिया गया। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की हम यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इंडियन मिसाइल्स ही नहीं, आपका फॉरेन मिसाइल्स भी आपका पूछ ली जाती हैं। तो यहां पर मैं 10 मिसाइल्स आपको जो है डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपका RS-28 सरमत मिसाइल, या फिर सिंपली सरमत, या आपका कहां की मिसाइल है? आपका रशियन मिसाइल है, ठीक है। इसी के साथ साथ डोंगफेंग मिसाइल या डोंगफेंग 5, यह आपका चाइना की मिसाइल है, ठीक है। साथ ही साथ R-36M2 ये आपका रशियन मिसाइल है, फिर तैपेडोंग 2 ये आपका मिसाइल नॉर्थ कोरिया की है। ध्यान रखिएगा बेटा, डोंगफेंग ये आपका चाइना, तैपेडोंग 2 नॉर्थ कोरियन मिसाइल है, डोंगफेंग मैंने आपको बताया था चाइना की मिसाइल है, साथ ही साथ UR-100N ये आपका रशियन मिसाइल, प्लस RS-24 Yars ये आपका रशियन है, प्लस Hwasong-15 अगेन ये आपका कहां से है? नॉर्थ कोरिया से, और Topol-M ये भी रशियन है, और Agni-6 ये आपका इंडियन मिसाइल्स है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, लेकिन एक पूरा हमने सेशन किया था मिसाइल्स के ऊपर, है ना, याद होगा आपको। तो बेटा इंडिया की जितनी भी टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं उसके लिए आपका ये सेशन मत देखना, भूलिएगा। प्लस अगर मैं बात करूं आपका, तो इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस भी हमने आपका कवर किए हैं। ये दोनों सेशंस के लिंक आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पर। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम आपके साथ लाइव होंगे, आपका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस लेकर FCAT 1 2024 एग्जाम का, आपका जो है जैसे ही आपकी शिफ्ट पूरी होगी पूरी टीम आपके साथ पूरा कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आपके साथ कराएगी, ठीक है। आप मेरे को ज्वाइन कीजिएगा मेरे टेलीग्राम पर, जहां पर आपको इसकी जो PDF है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। What is torpedo? Torpedo बेटा आप ये मान सकते हैं ship to ship मिसाइल होती है, ठीक है, एक ship से दूसरे ship अंडर वॉटर जो आपका मिसाइल यूज की जाती है उनको torpedo कहा जाता है। Alright? अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू courses आप कॉल कर सकते हैं 9650-52904 इस नंबर पर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आई होप आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, एंड साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट वुड बी ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो तब तक सुरक्षित रहें एंड बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।